अपन चल रहे थे अमेंडमेंट संविधान संशोधन में, है ना। तो लगभग लगभग जो मैंने कल बताए हैं आपको तो याद ही होंगे, है ना, याद होगा ना, नहीं है, भूल जाता है। अच्छी चीज भूल जाता है तभी तो दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से। देखिए जो संविधान संशोधन मैंने बताया था ये अपने अनुच्छेद 368 में है, है ना। 368 में तीन प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, क्लियर, इस अनुच्छेद के तहत, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले संशोधन की संख्याओं में बात कर रहे थे अपन, कि पहला संशोधन जो था आपका नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल जिसको बोलते हैं, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में था। उसके बाद आपका सातवां संविधान संशोधन था, है ना। दूसरा मैंने बोला था ना वो नहीं है इंपॉर्टेंट ज्यादा, ठीक है ना। सातवें में आते हैं डायरेक्ट, सातवें संविधान संशोधन में समय क्या था इसका, 1956। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि पहले जो आपका भारत था वो ए बी सी और डी स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है, ए बी सी डी कैटेगरी में थी। जब आप एमपी का भी इतिहास पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ना कि मध्य प्रदेश किस में आता था, सी में आता था, है ना, सी कैटेगरी में। तो ये ए बी सी डी में डिवाइड था। तो ये सातवें संविधान संशोधन के बाद पहली चीज तो ये कि स्टेट की ए बी सी डी कैटेगरी खत्म कर दी गई राज्यों की, क्लियर। उसमें एक बिंदु ये भी था कि दो राज्यों के संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकते हैं, है ना। संयुक्त उच्च न्यायालय जैसे आज पंजाब का और आपके हरियाणा का चंडीगढ़ में मतलब कि ज्वाइंट है, क्लियर। और उसके बाद एक चीज और थी कि जो यूनियन टेरिटरीज थी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनको लाया गया, क्लियर। तो ये चीजें हुई आपके सातवें संविधान संशोधन में। उसके बाद आपका आता है दसवां संविधान संशोधन। दसवां कब हुआ, 1961। इसमें दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, क्लियर, दादर एवं नगर हवेली को, क्लियर, है ना। अब उसके बाद फिर अपना क्या था, बारवां में था आपका 1962 गोवा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। गोवा यहां पे स्टेट नहीं बना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर। ये भी क्वेश्चन ये आते हैं कि गोवा मतलब कब शामिल किया गया भारत में, तो ये भी इसका जो एग्जैक्ट ईयर है वो 1962 है, क्लियर, है ना, ओके। अब इसके बाद आपका कौन सा है, 13, ये भी सेम ईयर है 1962। 13 में क्या था, देखिए जो आपका नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इसका अनुच्छेद याद करेंगे जैसे 371 ए, जैसे आपका जम्मू कश्मीर था 370 था ना, जो भी हटी थी आपको 31 अक्टूबर में, ठीक है। तो ये 371 ए में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा, क्लियर, ये अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद आपका क्या था, 14वां संविधान संशोधन 1962। तो आपको दिमाग में ये रखना है 12, 13, 14 ये सेम ईयर है 1962 में, तीनों संशोधन हो रहे हैं, ठीक है। और 14 में आपको पांडिचेरी को क्या किया गया था, भारत में विलय किया गया, क्लियर। पांडिचेरियों में किसका उपनिवेश था पहले, वो फ्रांसीसियों का, ठीक है ना, गोवा पुर्तगालियों का था, पांडिचेरी वगैरह जो थे ये फ्रांसीसियों के थे, क्लियर, है ना, ओके। अब इसके बाद कौन सा था फिर, 21वां संविधान संशोधन, जो मैंने बताया था ये कौन सी थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, ठीक है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, टोटल जो बाद में जोड़ी गई वो कितनी हो गई, टोटल 22 हो गई, क्लियर। तो मतलब आपकी 14 और 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो जो पहली भाषा जोड़ी गई थी 15वीं भाषा के रूप में वो आपकी कौन सी थी, सिंधी, ठीक है, ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में, ठीक है, 1967 21वां संविधान संशोधन, क्लियर। उसके बाद क्या था, 24 में क्या था, ठीक है, देखिए जो मैंने आपको ये बताया था कि 24वें संविधान संशोधन में कि यदि कोई संविधान संशोधन बिल, समझेंगे, बिल क्या होता है, यदि कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, उच्च सदन या निम्न सदन में, मान लीजिए संविधान में संशोधन करने के लिए हम किसी भी मेंबर द्वारा, ठीक है, प्राइवेट मेंबर या फिर जो आपके मेंबर हैं मतलब मंत्रिपरिषद वगैरह जो भी, मतलब मंत्रिपरिषद के बाहर जो होते हैं वो प्राइवेट मेंबर में आते हैं,
क्लियर, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो किसी भी यदि सदस्य द्वारा, सदन के सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो जब तक वो कानून नहीं बन जाता, कानून कब बनता है? राष्ट्रपति के साइन के बाद। राष्ट्रपति साइन कब करता है? लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से पारित हो जाए, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, क्लियर। उसके बाद कानून बनता है। तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक ये कहलाता है बिल, ठीक है, क्लियर। और जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो ये बन जाता है कि आपका एक्ट। ये पॉइंट क्लियर। तो जो आपका 24वें संविधान संशोधन, इसका वर्ष क्या था? 1971 में 24वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि यदि किसी संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए कोई बिल लाया जाता है किसी भी सदन में, तो उस बिल लाने के पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया, क्लियर। इसमें यह कंफ्यूज नहीं होंगे कि राष्ट्रपति बिल के पारित होने के बाद सहमति, वो तो देगा ही, ठीक है, वो तो कानून बनेगा जब लास्ट में, ठीक है, उसके साइन के बाद। लेकिन यदि संविधान में संशोधन का भी कोई बिल ला रहा है, ठीक है, अब संविधान संशोधन का बिल का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुच्छेद जो हैं मुख्य रूप से जो आपके संविधान में उल्लेखित हैं, उनमें यदि संशोधन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई प्रक्रिया है, जैसे आपको टैक्स जीएसटी जुड़ा था, है ना, जीएसटी जब आपका जुड़ा था तो टैक्स कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई, है ना, तो वो संविधान में संशोधन हुआ, क्लियर। तो उस बिल को लाने के पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति चाही गई थी, क्लियर। तो इस 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह कह दिया गया कि कोई बिल यदि हम ला रहे हैं अपने सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, उसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। पॉइंट क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये अनिवार्य, इसके पहले जरूरी नहीं था, 1971 के पहले जरूरी नहीं था, क्लियर। चलिए अब आपका 25वां है, 25 में क्या है? जो संपत्ति का अधिकार थे उसको कम कर दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टेल्ड, कुछ कम कर दिए गए थे, क्लियर, ठीक है। अब 25वें के बाद कौन सा था? ये भी, हाँ, 25वां भी 1971 ही था, क्लियर। उसके बाद 26 में क्या है? मनीष मार्कर देने, ठीक है, जो आपके प्रीवी पर्स थे, राजाओं के विशेषाधिकार, आपको पता है कि जब राजाओं के राज्य का विलय हो गया था स्वतंत्रता के बाद, तो राजाओं को कुछ मात्रा में पेंशन दी जाती थी शासन के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार जो भी थी अपनी, भारत सरकार के द्वारा, क्लियर। तो जो ये भी आपका जो 26वां है, ये 1971 ही है, प्रीवी पर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, और शाही अधिकार उनके होते थे, क्लियर, राजा महाराजाओं के, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो 26वां संविधान संशोधन दिमाग में बहुत अच्छे से रखेंगे कि प्रीवी पर्स जो था, मतलब कि प्रीवी पर्स ऑफ द रूलर्स वॉज एबॉलिस्ट, हटा ही दिया गया, ना उनको पेंशन मिलेगी अब इसके बाद, और ना इनकी कोई शाही विशेषाधिकार रहेंगे, क्लियर है ना। तो ये आपका 26वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इस चीज को दिमाग में अच्छे से रखिएगा, क्लियर। 26, 25 और आपका 24, ये तीनों 1971 के हैं। जैसे आपके ये 12, 13 और 14 1962 के हैं, ठीक है, 1962 के, क्लियर, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। चलिए अब 26 के बाद कौन सा था? 31st, ये कब था? अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो आपकी लोकसभा की सीटें थी 525 थी, इनको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया, ठीक है। 31 के बाद फिर आपको मैंने कौन सा बताया था? 35, 1974। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया, क्लियर। इसमें दो पॉइंट रहते हैं, एक सिक्किम को कब मिलाया गया और सिक्किम को कब राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, सिक्किम को कब मिलाया गया और सिक्किम को कब राज्य का दर्जा दिया गया, क्लियर है। तो जो ये 35वां संविधान संशोधन 1974 है, ठीक है, इसमें सिक्किम को मिलाया गया, थैंक यू, जो सिक्किम को मिलाया गया ना 35वें संविधान संशोधन 1974 में, लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन 1975 है, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, सिक्किम को अब स्टेट बना दिया गया। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है,
ठीक है, कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आपका 1975 36 अमेंडमेंट, क्लियर। अच्छा, इसमें जो राज्यों वाले है ना, इसको जरूर याद रखेंगे, जैसे अभी मैं गोवा का भी बताऊंगा, अरुणाचल का बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले आपने ये यूटीज के देखे, 12, 13, 14, ठीक है ना। 12वां में आपका कौन सा था, गोवा था। 13 में आपका क्या था, नागालैंड को विशेष का दर्जा। और 14 में आपका पुडुचेरी था। 10वें में भी था आपका दमन एवं दीव था, लेकिन इसका जो ईयर था वो 1960, हाँ सॉरी, दादर नगर हवेली, गोवा दमन दीव तो इसमें था, 12वें में, है ना, क्लियर। अब इसके बाद 36वें के बाद कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन, मैंने बताया आपको, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी एक्चुअली। ये संविधान संशोधन जो किया गया था वो इमरजेंसी के टाइम पे किया गया था, और उस समय थी अपनी जो पीएम थी, कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उन्होंने लगभग क्या हुआ कि पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की, क्लियर। इन्होंने ये बोल दिया कि जो मंत्रिपरिषद वगैरह है ये राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से अनिवार्य रूप से काम करेगा। इन्होंने 5 साल जो टर्म है अपने लोकसभा वगैरह के, इसको भी बढ़ा के 6 साल कर दिया था, क्लियर। और इसमें एक और चीज हुई थी जो मैंने आपको बताया था, शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण वगैरह, इसको राज्य सूची से निकाल करके संवर्दी सूची में क्लियर कर दिया गया था। संवर्दी सूची में कितने विषय होते हैं, मैंने आपको बताया था ना एक संख्या याद करने के लिए, 6152। 100 आपका सबसे ज्यादा संघ सूची में, 61 आपका राज्य सूची में, और 52 संवर्ती सूची में। ये करंट स्टेटस है, वर्तमान स्थिति, ठीक है, ओके। तो जो शिक्षा था, जनसंख्या नियंत्रण था, और एक क्या था जिसको राज्य सूची संवर्ती सूची में, वन संपदा, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को आपकी राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में रख दिया गया। संवर्ती सूची का मतलब यह है कि इसमें इस विषय में कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हुई थी। कौन सा था ये, 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं हालांकि, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेजर पॉइंट्स लिखाए थे एक दो इस पे, क्लियर। उसके बाद अच्छा हाँ, 42वां संविधान संशोधन का आपको ईयर मैंने बोला था, कैसे याद करना है, जैसे ये 42 है ना, तो ये 4+2 दिमाग में रखिएगा, मतलब ठीक है, दिमाग में रखने के लिए, जिससे आप 74, 76, 78 में कंफ्यूज ना हो। तो ये 4+2 मीन्स क्या हो जाएगा, 6, तो ये हुआ था 1976 में। इसके बाद आपका आता है 44, तो इसको भी याद रखेंगे, 4+4 1978, है ना, चीजें क्लियर है। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। 44 के बाद क्या था, 52, 52वां संविधान संशोधन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख है, ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं आप, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है, जो दल बदल मैंने बताया था, कि जैसे अभी अभी वर्तमान में ही अपने मध्य प्रदेश में क्या हुए थे, उपचुनाव, है ना। चुनाव भी 3-4 प्रकार के होते हैं, जो आपका जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर, जो सामान्य चुनाव बोलते हैं उसको आप, उसके बाद आपका क्या होता है, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव, ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये उपचुनाव हुआ था, क्लियर। उपचुनाव में आपने देखा क्यों हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी के, क्लियर। तो इसमें इस्तीफा क्यों दिया, पहले क्या होता था, यानी कि आपका जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के पहले क्या होता था, कि जो यदि मान लीजिए किसी को ऑफर दे दिया गया, किसी विधायक को, किसी सांसद को, विधायक को राज्य में, सांसद को केंद्र में, तो वो अपनी पार्टी बदल लेते थे, ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, ये ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। तो मतलब इस चीज को देखते हुए ये चीजें लाई गई कि अब इसके बाद, यानी 52वें संविधान संशोधन के बाद, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से एक या दो लोग नहीं जा सकते, यदि वो जाएंगे तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसमें देखिए, व्यक्ति नहीं जा सकते थे, लेकिन पूरी पार्टी का विलय हो सकता था। तो इसमें वर्तमान में क्या है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी में डायरेक्ट पूरी जा सकती है, क्लियर, लेकिन एक पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया, दल बदल कानून इसको बोलते हैं, कि जो दल बदलू नेता थे उनको रोकने के लिए, क्लियर ना, ठीक है। यदि ये दल बदल कानून नहीं होता तो जो ये 22 लोगों ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के, ये पूरे बीजेपी में आ जाते तुरंत, ठीक है। तीनों ने क्या किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव लड़े बीजेपी की तरफ से, ये संभव हुआ दल बदल कानून के कारण,
इस समय राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में, ठीक है, उनके समय पे ये चीजें ज्यादा हो रही थी, इसलिए इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या था? 55। 55 में क्या है आपका? 1986 अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, ठीक है। अब जो आपको दिमाग में रखने के लिए मैं बोला ना कि आपको जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम याद रखेंगे, है ना, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, 55 में अरुणाचल प्रदेश को याद रखेंगे, 1986 है, ठीक है। 5 और 6 का कुछ कॉम्बिनेशन दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा, 5 है इधर 6 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आ रहा है वो है आपका इंपॉर्टेंट 56वां 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब आपके 56वें में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है ना? ठीक है, इसको भी आप रख सकते हैं 6-7, ठीक है। 56 है 1987, दिमाग में कुछ रिकॉल करने के लिए पॉइंट होना चाहिए, बाद में आपको अपने आप दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो 56वां 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, तो स्टेट वाले दिमाग में रखिएगा, सिक्किम हो गया 36, 1975, अरुणाचल प्रदेश 1986, 55वां संविधान संशोधन, गोवा आपका 1987, 56वां संविधान संशोधन, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना है। यूटी वाले जैसा आपका है, तो जो आपका पहले गोवा था क्या था? 12वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है, गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 13 में आपको नागालैंड का विशेष दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा 370A, और उसके बाद 14वां में पांडिचेरी को। क्लियर? तो इतना आपका दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 55 हो गया और आपका 56 हो गया। इसके बाद आपका था 61 यानी कि 61वां संविधान संशोधन, जो आपका हुआ था कब? 1989 में। 1989 में ये कई बार परीक्षाओं में आया, ठीक है। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में ये रहता है कि जो आपकी वोट डालने की उम्र है वर्तमान में कितनी है? 18 है ना, ये पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, ठीक है। तो इसको 21 वर्ष से कम कर दिया गया, कितना? 18 वर्ष, और ये समय था 1989, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी टाइम समय पे जो आपके चुनाव आयोग में एक सदस्य था, ठीक है, चुनाव आयोग के जो प्रमुख होते थे मात्र सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन थे, अचानक से 21 से 18 वर्ष कर देने से वोट डालने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी ना, ठीक है। जब बढ़ जाएगी तो क्या हुआ कि जो चुनाव आयोग है इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया था, ठीक है, मतलब अब इसमें 3 मेंबर हो गए थे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन वर इंक्रीज फ्रॉम सिंगल टू 3, ठीक है, 3 से मतलब 1 से 3 हो गए थे, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। यही तक हुआ था ना कल अपना? अच्छा 65 भी है, 65 में क्या है? देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए मतलब सो आयोग का एक गठन किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख भी है, ठीक है, इस अनुच्छेद को भी ध्यान रखेंगे, 65वां संविधान संशोधन भी याद रखेंगे, और ये समय क्या था? 1990, ठीक है, क्लियर। तो 1990 में आपका 65वां संविधान संशोधन हो रहा है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आए, क्लियर, इनके लिए मतलब एक कमीशन बनाया गया कि अब ये इनके हितों की रक्षा के लिए जो भी इनकी चीजें हैं उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम, मोबाइल कम से कम क्लास में तो बंद रखो, ठीक है। 69 69वां संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे, परीक्षाओं से जुड़ा हुआ रहता है। किससे संबंधित है ये? दिल्ली। दिल्ली को एक तो राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, मतलब NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। इसके पहले दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में क्या है? दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया, क्लियर। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को विशेष राज्य का मतलब कि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ये कहा जाए, राज्य का दर्जा नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और इसमें क्या किया गया कि विधानसभा बनाई गई, ठीक है ना, और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। वर्तमान में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीट है? 70, क्लियर। तो ये सारी चीजें हुई आपके 69वां संविधान संशोधन 1991, क्लियर, यहां तक हो गया था। 71वां में क्या है?
अच्छा हाँ, अब देखिए मैंने आपको जब आठवीं अनुसूची में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था ना कि भाषा कौन कौन से अनुच्छेद से जोड़ी गई थी, ठीक है? तो आपके पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? सिंधी, ठीक है? वो कब जोड़ी गई? 1967 21वें संविधान संशोधन के तहत, है ना? तो तीनों को फिर से आप याद ही कर लो। आपकी 21 थी 1967, कौन सी थी ये? सिंधी, ठीक है? भाषाएं आपकी आठवीं अनुसूची में हैं, ठीक है? टोटल कितनी है? 22, मूल संविधान में कितनी थी? 14, ठीक है? ओके, तो ये हो गया 21वां सिंधी भाषा। उसके बाद आपका जो मैं अभी यहां पे बात कर रहा हूं ये 1992 मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है? अब थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहिएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप लोगों में से नए कितने लोग आए हैं आज? सारे लोगों के लगभग ग्रेजुएट होंगे आप लोग ना, है ना? ओके, कोंकणी कहां की भाषा है? जितने लोग नए हैं सिर्फ उन्हीं में से कोई भी बता दे। कोंकणी भारत की है ना? भारत की है ना? क्यों भैया, भारत की है ना? कहां की, किस राज्य की है? पहले कभी तो पढ़ा होगा ये, शायद मुझे ध्यान है कि 8वीं 9वीं से आ जाता है आपके पर्यावरण सामाजिक विज्ञान ये सब में। हाँ गोवा, तो जिनको पता है तो बता रहा हूं, ठीक है? गोवा की है, ठीक है? नेपाली तो नेपाल की है, क्लियर? समझ रहे हैं ना? तराई क्षेत्र, यहां कुछ बिहार के क्षेत्र में भी बोली जाती है। कोंकड़ जो क्षेत्र है, कोंकड़ तट भी है, आपको पता होगा कोंकड़ समुद्र तट ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, तो कोंकड़ जो तट है वो गोवा का तट कहलाता है, ठीक है? क्लियर? तो कोंकणी जो भाषा है वो कहां की है? गोवा की है, ठीक है? ये जोड़ी गई थी कब, दिमाग में रखेंगे शब्दशः, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी तो मणिपुर में ही बोली जाएगी, ठीक है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, ठीक है ना? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली आपके 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ी गई। पॉइंट क्लियर, ठीक है? उसके बाद आपकी भाषा ही, तो मैं भाषा का भी एक और बता देता, इसमें कौन सी थी, अगला कौन सा था? भाषाएं तीन बार संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है? जो भारतीय संविधान में भाषा जोड़ी गई है आठवीं सूची में, तीन संविधान संशोधन जोड़ी गई। पहला था आपका 21वां, सेकंड है आपका 71वां और ये था 92। आपको दिमाग में कैसे रखना है, जैसे 71 है ना, तो 1 के बाद 2, ठीक है? ये याद रखेंगे 1992, ठीक है? 71 है 1992, ये 2 है, यहां पे याद रखेंगे 3, ठीक है? तो ये 92 2003। अब इसमें कौन कौन सी है? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है? मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कल का रिवाइज करा रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कितनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, तो ये कल का रिवाइज करा रहा हूं मैं, इसलिए स्पीड है थोड़ा सा, ठीक है? तो ये मैथिली, एक्चुअली ये मुझे ध्यान है कि ये मैं तीसरी बार इसको बता रहा हूं, ठीक है? मैथिली भाषा बोली जाती है आपका कुछ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है और आपका तराई क्षेत्र बिहार का, मैथिली वहां बोली जाती है। बोडो मैंने बताया था आपको, ये असम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है, असम जानते हैं ना, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है? डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर में पहाड़ी भाषाओं में से है ये, क्लियर? और उसके बाद आपकी संथाली है, संथाल जनजाति भी है झारखंड में, ठीक है? उन्हीं संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ये संथाली, क्लियर है, ठीक है? तो ये जोड़ी गई है 2003 में। पॉइंट क्लियर, ये आपका भाषा था इसलिए मैंने इसको बीच में जाकर बता दिया, क्लियर? ये आपकी टोटल कितनी भाषा हो गई, 4 3 7 1 8 प्लस 14 बराबर वर्तमान में 22, क्लियर है ना? ओके, तो इसको सीरीज से याद रखेंगे, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, ठीक है? जैसे मैंने इसमें एक और बताया था, इसमें 92 वाली याद करने के लिए किसी ने बोला था कॉमन शब्द, ठीक है? का से कोंकणी, मा से मणिपुरी, ना से नेपाली, ठीक है? कॉमन याद रखेंगे तो आपकी ये तीनों सीरीज में याद रहेंगी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली,
है ना, क्लियर? तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके लिए भी कुछ बना था क्या? BDMS, हाँ BDMS बना था, ठीक है, जैसे BDDS होता है। अच्छा आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अरे ये जो बायोलॉजी वाले को साथ पता भी हो, BDMS वगैरह, ठीक है। BDDS होता है बॉम्ब डिस्कॉर्ड, जो होता है बॉम्ब स्कॉर्ड होता है, ठीक है, और बॉम्ब डिस्पोजल एंड डॉग स्कॉर्ड। हर जिले में एक ये सेक्शन होता है, साथ आप लोगों को पता हो या ना हो, पुलिस में, ठीक है, BDDS बोलते हैं इसको। जहां पे कहीं बॉम्ब वगैरह की सूचना आती है तो बॉम्ब डिस्पोजल एंड डॉग स्क्वाड बोलते हैं इसको, ठीक है। संदिग्ध गतिविधियां कुछ भी मिलती हैं तो ये लोग रहते हैं, सिविल में रहते हैं, ठीक है। तो BDMS आपको याद रखना था, जिसमें मैंने बताया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, कुछ तो टिक जाएगा ना दिमाग में, टिकेगा ना, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ, वहां पे कितना था, 71 था, है ना, 71 की बात कर रहे थे अपन। और उसके बाद मैंने बताया था आपको 73वां संविधान संशोधन। अब यहां से चीजें आपकी शुरू होंगी नई, हालांकि नई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है, जब मैं शेड्यूल मैंने बताया आपको 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपके ग्राम पंचायत के कार्य करने की अधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया, ठीक है। कितने थे उसमें विषय? 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें आपके थे 29 विषय, और ग्राम पंचायत की शक्तियां और कार्य वगैरह चीजें, मतलब ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि शासन में यानी सरकार में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ तो इसी संविधान संशोधन से, सबसे प्रमुख संशोधनों में माना जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि पहले जो शक्तियां थी वो सिर्फ केंद्र के पास थी, ठीक है, टैक्स वगैरह लगाने की, या फिर आपके राज्य के पास थी विधानसभा में, ठीक है ना। लेकिन अब जो आपका शासन का विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रण का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह केंद्रित होना, और विकेंद्रण, केंद्रण का अपोजिट हो गया क्या, विकेंद्रण यानी बांट देना, बटा होना, फैला होना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ शक्तियां ग्राम पंचायत को दे दी गई। अब क्या होता है कि जैसे आपका जो ग्राम पंचायत में कहीं कहीं गांवों में हाट लगता है, बाजार लगती है, हफ्ते में एक दिन सब्जी वगैरह की दुकान लगती है, ठीक है, आपने देखा होगा वो लोग पर्ची काटते हैं, ठीक है, और उसका पैसा गांव के पंचायत में जमा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जो छोटे मोटे टैक्स वगैरह होते हैं ग्राम सभा करने की, अपने लिए योजनाएं बनाने की, जैसे गांव का विकास कार्य कैसे होता है, ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा होती है उससे होता है ना, वो लोग डिस्कस करते हैं ये हमारी उपयोगिता है, फिर सीओ के पास लेके जाएंगे अपना प्रस्ताव और वो पास करते हैं, होता है ऐसे, मतलब एक ऐसा समझिए कि छोटी संसद टाइप का काम करता है, मतलब ग्राम पे गांव में शक्तियां बटी हुई है ना अब, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, कब से, 1992 के पहले, क्लियर। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन में 29 विषयों का उल्लेख किया गया काम करने के लिए, ठीक है, गांवों की। ये 29 विषय याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे और 1992 वर्ष याद रखेंगे, क्लियर, और इसमें और भी ज्यादा 11वीं अनुसूची याद रखेंगे, क्लियर है ना, ठीक। अब इसके बाद आपका जो 74वां संविधान संशोधन है वो इसी के साथ लगा हुआ था, ठीक है, इसमें क्या था आपका, जो आपको म्यूनिसिपल पार्टीज थी, म्यूनिसिपल पार्टीज मतलब जो आपकी यहां रीवा में भी है, नगर निगम वगैरह, नगर पंचायत, नगर पालिका है, होता है ना स्टेट, इस पे भी होता है ना, ये भी अपना टैक्स लगाते हैं ना, अपना टैक्स लगाने का अधिकार है, पूरा एक छोटा मिनी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इनका, साफ सफाई कराने का, पर्यावरण की सुरक्षा का, और आपके टैक्स लगाने का, दुकान हाट सारे सिस्टम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ठीक है, जो अपना नियम कानून खुद ही बनाते रहते हैं, करते हैं ना। तो ये भी शासन का विकेंद्रीकरण हुआ ना, और इसमें कितने विषय लाए गए थे, 18 विषय। 29 और 18 कैसे याद करने के लिए मैंने बोला था कि जैसे ये 29 है तो 9 2 18, ठीक है, मतलब 9 का डबल हो गया 18, है ना। तो ये कितने विषय 74वें संविधान संशोधन में, 18 विषय है, 74वां संविधान संशोधन है, और ईयर बाय डिफॉल्ट सेम है, ठीक है, क्लियर, चीजें क्लियर है ना।
इसमें नगर पालिका म्यूनिसिपल पार्टी जिसको बोलते हैं नगर पालिका नगर पंचायत, इनके विषय का उल्लेख किया गया और ये विषय थे टोटल 18। क्लियर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे से रखिएगा। एक दो बार मान लीजिए यदि आपको बोलते हैं, मतलब बोल रहे हैं आपके भूलता है, भूलने जैसा कुछ होता नहीं है यदि आप रिपीट करते हैं। मैं खुद ही इतनी बार पॉलिटी पूरी होते होते रिपीट करा दूंगा कि आपको अनुच्छेद और संशोधन तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले, ठीक है। होप सो इसमें से कम जितना मैंने अभी बताया तो आधे तो आपको याद ही हो गए होंगे सिर्फ सुन सुन के, ठीक है। कभी भी यदि कॉन्टेक्स्ट कोई आता है तो मैं रिपीट करता ही हूं, ठीक है ना। तो लगभग याद हो गए होंगे, जिनको नहीं होगा तो हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका था 74वां संविधान संशोधन, लिख लीजिए इसको। नहीं पढ़ाया हूं, लेट नहीं हो जाता। देखिए मैं ये थोड़ा सा संशोधन फास्ट इसलिए पढ़ा दिया बीच में क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होने वाला था, ठीक है ना, इसलिए क्लियर। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया, ठीक है। पोस्टपोन हुआ है तो शायद 15-20 दिन के लिए हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है जहां तक मुझे अभी पता चला है, ठीक है। वो चीजें खैर, पॉलिटिसाइजेशन हर चीज का अलग है, राजनीतिकरण, ठीक है, और शासन की तैयारियां भी अलग है, क्लियर। प्रॉब्लम इस चीज के लिए आई है जो अभी सुनने में आई है कि इसका जेल प्रहरी के परीक्षा कराने के लिए इनके पास प्रॉपर क्या है कि सुरक्षा नहीं करा पाए थे ये, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी कुछ एग्जाम हुए थे जैसे इनके आपके पीएटी वगैरह के और नीट वगैरह के, आपने देखा होगा कि सेंटर में कितनी सारी चीजें तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। आप हमें यहाँ पे इतना मतलब विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग भले ही बैठे हुए हैं, प्रशासन रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। रिस्क ले भी ले मैं कहता हूँ, लेकिन उसकी जवाबदेही होती है, ठीक है। यदि मीडिया ने किसी भी चीजें मतलब कि यदि बढ़ानी शुरू कर दी तो आपको फिर समस्या है, लेने देने पड़ जाते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है हर चीज के लिए। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि सेंटर बढ़ा रहे हैं, पहले जैसे एक मतलब कि एक सिस्टम बगल में रोता था, उस दो एक सिस्टम खाली रख रहे हैं अब, ठीक है। तो इस चीज़ों कारण थोड़ा तैयारी करनी है, 20-25 दिन का होल्ड होगा बस, इस पर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि आपको समय मिल गया है, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी तो पेस में आ चुकी थी, ठीक है ना कुछ आप लोड से पढ़ रहे थे, ठीक है। जो एक घंटे पढ़ते थे रेगुलर वो 2-3 में पहुंच चुके थे, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा इससे। तो हम बात कर रहे थे 73वां की, लिखेंगे 73वां। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं कब जोड़ी गई? 9वीं कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। दूसरी 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 10वीं 11वीं कब जोड़ी जा रही है आपकी? 1992 में 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसके अंतर्गत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया ठीक है। इसमें एक ये जो अगली लाइन है इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे और अंडरलाइन कर लेना नीली काली पीली से। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9, हाँ हाँ लिखना ही है, इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 का या 9A, ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से
जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 या द, ठीक है। अब हिंदी वाले हो इसलिए हिंदी में लिखा रहा हूं, ठीक है। 243 से 200 मतलब जो भाग नौ का जोड़ा गया ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज का अनुवर्णन है वो अनुच्छेद 243 में है, और इसी में सब क्लॉज जैसे होता ना 243 एक दो तीन, फिर तीन का भी होगा तीन का, ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा है 243 या द। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 19A1, ठीक है। अब इसका कोई वर्णन, इसके भी कोई क्लास हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, 19 1 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह ये जैसा है तो मान लीजिए का से कहां तक गया, या तक, ठीक है। अब या में भी यदि कोई वर्णन हो गया का खा गा, ठीक है, तो ये चला गया दा तक, ठीक है, क्लियर। इसलिए इसमें ऐसा लिखा रहा हूं, ठीक है। तो 243 से 243 या द तक के अनुच्छेद हैं, या द तक के अनुच्छेद हैं। अच्छा, ये पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल के 25 अप्रैल, श्योर है? देखिए आप लोग जैसे उस समय मेरे से बोल रहे थे कि कुछ किताबों में 1993 दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन, एक्चुअली जो मैं इस पे क्लियर बता रहा हूँ आपको, 25 अप्रैल 1993 से ये जो मतलब संशोधन है ये लागू हुआ था, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्लियर है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कितना याद अब तक हो चुका है आपका, लिखेंगे अगली लाइन। इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, आप 73वां लिख रहे थे ना, इसको ऐसा कर लो, सब उल्लेख सही है, जो 73 है ना इसको 74 कर लो, अब 73 वाला आप लिखना, जो 29 विषय है उसको 18 कर देना, हाँ एक और मॉडिफिकेशन इसमें, ठीक है। हाँ ये 74वां आपने लिख डाला पूरा, ठीक है, 12वीं अनुसूची, ठीक है, पूरा नहीं काटना इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो आपका विषय थे 74वां में मैंने बताया कितने विषय हैं आपके, 18 विषय है ना, ठीक है, 73 में कितने थे, 29 विषय, 73 में 29 विषय, 74 में 18 विषय, ठीक है। तो अभी आपने कितने विषय लिखे, हाँ तो 18 कर लीजिए इसको, और जो पूरा याद है वगैरह ये सब सही है इसका, ठीक है। एक मिनट क्रॉस कर दो इसको, चलो हटाओ, हटा ही दो, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, जुबान में कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और चलता है, ओके साइलेंट। 73वां में लिख लीजिए, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा मत करिएगा, एक लाइन से काटिएगा सिंगल, ठीक है, ये पूरा मतलब, ठीक है, सिंगल मतलब आपकी कॉपी की सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा काटते हैं, ठीक है ना, सिंगल लाइन काटिंग के लिए, ठीक है। आप 73वां लिख रहे थे ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, छोटा सा लिखें, 11वीं अनुसूची, हाँ 73 लिख रहे हैं अभी आप, ठीक है, 73 माइंडेड, 73 लिख रहे हैं आप, 11वीं अनुसूची, ठीक है, पंचायती राज के प्रावधान, कॉमा करके लिखिएगा, पंचायती राज के प्रावधान 29 विषय, ठीक है, भाग 9 ठीक है, भाग 9 9 का नहीं, ठीक है, भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 200 अनुच्छेद 243 से
कॉमा करेंगे 243 का से 243 आड़ा तक, जो 243 के बाद से है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए, 243 फिर कॉमा फिर 243 का से 243 आड़ा तक, मतलब इसमें क्या है 243 भी है, 243 का से 243 आड़ा तक है। अभी समझ में आया, मतलब 243 का पार्ट हो गया का, फिर 243 खा, 243 गा घा, ठीक है, अंगा, फिर ये लास्ट में आपकी नीचे वाली लाइन आड़ा तक आ रही, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब आपका 73वां संविधान संशोधन है, 1992 है, 29 विषय है, पंचायती राज है, 243 से 243 का से आड़ा तक का है उल्लेख, क्लियर है ना, ओके। चलिए अब आ जाइए 74वां में। अच्छा, इसमें भाग 9 जोड़ा गया है, क्लियर है, और जो आपका अगला है मतलब 74वां, उसमें भाग 9 का है, ठीक है। चौहत्तरवां लिखेंगे, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिका नगर निगम, नगर पालिका नगर निगम नगर पालिका नगर निगम एवं नगर परिषद से संबंधित प्रावधान, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया, क्लियर, ये हो गया आपका 74, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 74, 74 के बाद एक मैं जो आपको मैंने बताया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 बता चुका हूं पहले भी आपको, ये राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है, किसका, ठीक है, 21A जिसको आप बोलते हैं, छियासीवां संविधान संशोधन है आपका 2002 में आया ये, इसमें ये कहा गया कि जो आपके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के उम्र के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, मतलब कि सरकार उनको खिलाएगी पिलाएगी पढ़ाएगी, ठीक है, जो आपको खाना मिलता है स्कूल में, ठीक है, मध्याह्न भोजन, ठीक है, वो इसी के तहत और यहीं से शुरू होता है अनिवार्य, ठीक है। ये अनिवार्य शिक्षा का मतलब ये है कि कुछ लोग ये बोल सकते थे पहले कि हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है घर में तो हम उनको काम कराने ना भेजें और पढ़ने भेजें, ठीक है, खाना जरूरी है पहले कि पढ़ना, क्लियर, तो लोग बोलेंगे कि भाई खाना जरूरी है पहले, ठीक है, जब जान रहेगी तब तो ज्ञान आएगा, क्लियर। तो इस पे क्या हुई चीजें कि सरकार ने बोला कि हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कराएंगे और पढ़ाने के लिए भी, सामान्यतः जो आपका 7वीं 8वीं तक का रहता है ना, तो 8वीं तक जो आपका मिलता है वो मध्याह्न भोजन, तो वो इसी के तहत शुरू किया गया था, क्लियर। राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002, क्लियर, लिखेंगे, हाँ, 86वां संविधान संशोधन, 86वां 86 इस संशोधन द्वारा देश के छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए
देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया मतलब जो शिक्षा का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया ठीक है प्रावधान किया गया प्रावधान किया गया इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया अच्छा एक चीज ये बताइए आपके जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो किस अनुच्छेद में है इंक्यावन काम है ठीक है आपको ये पता होगा कि जो आपके मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में कितने थे 10 थे है ना 11वां जो आपका जोड़ा गया कर्तव्य उसमें ये बोला गया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ये आपका कर्तव्य है ठीक है ना 11वां मूल कर्तव्य नहीं पता होगा तो कोई भी सरकारी स्कूल किताब उठाना उस पर लिखा होगा कहीं पे फ्रंट या लास्ट पेज के आगे पीछे फ्रंट में होगा मतलब लोअर फ्रंट जो होता है कवर फ्रंट है ना और आपको मैंने शिक्षा संबंधी चीजें आपको अनुच्छेद 45 में भी बताई थी है ना तो इसलिए ये लाइन लिखेंगे इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है संशोधन किए जाने का प्रावधान है तो चीजें कुछ क्लियर हुई ठीक है चलिए अगला लिखेंगे फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा 88वां संविधान संशोधन 2003 ठीक है लिखेंगे अनुच्छेद 368A इसको अंडरलाइन कर लेना लाल नीली पीली जो भी होगी उसी पेन से इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368A में सेवा कर का प्रावधान किया गया सेवा कर यानी सर्विस टैक्स यहीं से शुरू होता है अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 268A में नहीं नहीं यार 268A 268A में सेवा कर का प्रावधान किया गया ठीक है तो ये याद रखेंगे सेवा कर आया है तो सेवा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है सर्विस टैक्स क्लियर समेटा जाता है राज्य सरकार के द्वारा क्लियर और फिर बंटता भी है केंद्र और राज्य
क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे सर्विस टैक्स लगता कहां से है आपका, केंद्र सरकार का, ठीक है, केंद्र सरकार के कर में ये आता है, दिमाग में अच्छे से रख लेंगे, लिखना हो तो लिख भी लीजिए सेवा करके बगल में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। सर्विस टैक्स लग रहा है 268 ए में इसका उल्लेख है, आगे हम बात करेंगे आगने वाले अनुच्छेदों में इसका, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन है ये आपका, 88 कौन बोल रहा है, 88 है, ठीक है। समय है आपका 2003, चलिए बान नए तो आपको पता है, लिखना नहीं है ना, लिख लिए होंगे ना, तो पहले तो लिख चुके हो, कहे गए बार बार वही पेन घिस रहे हो। बानवे संविधान संशोधन 2003, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली BDMS, ठीक है, 2003 याद रखेंगे, भाषा जोड़ी गई है, क्यों बार बार वही लिखाओगे। चलिए लिखेंगे अगला, संतानवे संविधान संशोधन 2011, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को कॉपरेटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं आप, इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण, प्रदान किया गया मैं आपको बताया कि जो जब आप पढ़ रहे थे क्या DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज नीति निर्देशक तक, उसमें अनुच्छेद 43 में मैंने आपको बताया था सहकारी समितियां, ठीक है, उसमें एक पार्ट मैंने आपको बताया था जब लिखा रहा था वहीं पे 43 खा, जो ये 43 खा जोड़ा गया था ना, ये यही था इसमें, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है ये, हाँ, 97 संविधान संशोधन 2011, उस समय भी मैंने साथ 2011 को उल्लेख कराया नहीं है, देख लेना एक बार, ठीक है। इसमें ये चीज और भी जोड़ी गई थी कि जो मैंने बताया था ना कि अरविंद केजरीवाल वाला स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 में, क्लियर, पहले वो बोल रहे हैं, फिर उसके बाद सभा कर रहे हैं, फिर उसके बाद संगठन बना रहे हैं, तो जो आप संगठन बना रहे हैं वो तीसरे नंबर पे आया था ना, 19C या गा जो भी बोल दो, तो वो संगठन बनाने में आपका सहकारी समितियां भी शामिल हो गया था, तो मतलब सहकारी समिति बनाना आपके मूल अधिकारों में है वो अनुच्छेद गा में, मतलब सॉरी 19C या 19 गा में, क्लियर है, बता याद है कि आपको मैंने बताया था 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद 19 में, पहला मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इमेजिन कीजिए, तो जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो सबसे पहले क्या की थी, पहले तो भाषण दिए लंबे चौड़े, तो यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो सभा करने बैठ गए यानी अन्ना हजारे के साथ, तो क्या हो गया सभा करने की, ठीक है ना, शांतिपूर्ण बिना हथियार के, तो ये हो गया 19 खा में। उसके बाद सभा करी, अब सभा के बाद जब सभा सफल रही तो उन्होंने पार्टी बनाई, तो क्या 19 गा में, ठीक है। अब उसके पार्टी बनाने के बाद कहां निकल गए, वो देश निकल गए घूमने, ठीक है, तो ये हो गया आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है, देश से घूम के आए तो फिर वो कहां, दिल्ली में ठहर गए, मतलब कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता, क्लियर। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है, अब जब निवास करने लगे तो अब उनका धंधा पानी अच्छे से चलने लगा, पार्टी उनकी सेट हो गई, तो मतलब व्यापार एवं नियोजन की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी आप आजीविका की स्वतंत्रता, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है 19 अनुच्छेद 19 में, जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19, 20, 21 और 22, ये है स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है ना। और 14 से 18 क्या है आपका, समानता का अधिकार, याद है ना, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे,
सौ 2015 सौवां संविधान संशोधन 2015 जल्दी कीजिए थोड़ा सा सौवां संविधान संशोधन 2015 ठीक है एक लाइन लिखेंगे बांग्लादेश को भूमि स्थानांतरण क्या लिखेंगे हस्तांतरण बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण ठीक है ये भूमि स्थानांतरण ऐसा हुआ था कि कुछ इनका बांग्ला भारत और बांग्लादेश का ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर में कंफ्लिक्ट चल रहा था तो इन्होंने कुछ भूमि दी थी और कुछ अपनी वापस ली थी ठीक है और बाउंड्री इसको डिमार्केशन किया था मतलब सीमांकन जिसको बोलते हैं ठीक है ये हुआ था तो ये 100वें संविधान संशोधन के तहत हुआ क्योंकि ये आपको पता है कि देश के कोई भी क्षेत्र यदि जोड़ा या घटाया जा रहा है तो वो इसी में होगा क्लियर चलिए अगला लिख लेंगे 101 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 2017 वस्तु एवं सेवा कर GST ठीक है 101 GST वस्तु एवं सेवा कर लिख लिए 2017 ठीक है ये लागू हुआ था 2017 1 जुलाई 2017 से याद है ना GST ठीक है जनरल सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हो आप सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है और जो आपका सेवा कर मैंने बताया कब से था सर्विस टैक्स 268 2003 88वां ठीक है दिमाग में रखना इसको दोनों को 102 लिखेंगे ठीक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102 संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वही ओबीसी वाला जो आयोग बना था ठीक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ठीक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102 2018 लिखेंगे 103 EWS वाला ठीक है इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन जो आपका था 103 2019 ठीक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है आपका आर्थिक रूप से पिछड़े लोग उनको 10% आरक्षण ठीक है तो लिख लो सीधा सीधा EWS 10% आरक्षण ठीक है और जो अंतिम हुआ है अभी वर्तमान में वो है 104 2020 ठीक है कुछ भी 104 2020 में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा सुना था कि जो आपका एंग्लो इंडियन होते हैं एंग्लो इंडियन सबको पता है दोबारा रिपीट नहीं करूंगा समय कम है एंग्लो इंडियन का आपको 2 सीटें मिलती थी लोकसभा में तो लोकसभा का जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था ना मोदी सरकार ने खत्म कर दिया कि अब इनको कोई सीट नहीं दी जाएगी ठीक है तो ये 104 संविधान संशोधन हुआ तो एंग्लो इंडियन का दर्जा खत्म किया गया और 10 साल जो ये आरक्षण बढ़ता है वो बढ़ गया था ठीक है तो लिख लीजिए एंग्लो इंडियन आरक्षण हटाया गया एंग्लो इंडियन आरक्षण हटाया गया एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा है थे विशेष राज्य का दर्जा वो भी है संशोधन में ठीक है क्लियर अब वो इतना ज्यादा रफ टफ हो चुका है हर किसी को पता है इसलिए मैंने लिखाया नहीं इस पर ज्यादा ठीक है क्लियर तो ये आपके संशोधन है दिमाग में रखिएगा अच्छे से 73-74 जैसे आपको पता ही है ठीक है 86वां 2002 राइट टू एजुकेशन हो गया 91 वाला आपका भाषा हो गया ठीक है क्लियर उसके बाद कौन सा था आपका 91 के बाद संतान ने कौन सा था ये संतान ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा इसमें 2-3 संशोधन हुए 19 गा सहकारी समिति और 43 खा जो था आपका ठीक है 43 सी
क्लियर, सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा, उसके बाद कौन सा है, संतानवे के बाद सौ, ठीक है, बांग्लादेश को भूमि स्थानांतरण 101 जीएसटी, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, क्लियर, और 65वां आपका एससी एसटी वाला है, क्लियर, 1990, ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक बार रिकॉल कीजिएगा, होप सो ये संशोधन जितने हैं आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत है, सफिशियंट है, ठीक है, आप इतना भी यदि दिमाग में रख लेंगे ना तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हाँ मुझे पता है कुछ, ठीक है, ओके थैंक यू। टोटल है संविधान संशोधन, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, लगभग सब आपको पता है अब, ठीक है, मैं आज शुरू करने वाला हूं आपको आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, आप ऐसा कीजिए पहले आर्टिकल में बोल देता हूं, आप लिख डालिए 10 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ मैं आपको कंपेरेटिवली लिखना है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद है इधर, तो उसके कंपेरिजन में इधर राज्यपाल का लिखना है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां, तो इधर आपको राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियां, ठीक है, और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व तो आप पढ़ चुके हैं, नीति निर्देशक तत्व के तक के आर्टिकल आपको पता है, मैं रिवाइज करवा दूंगा, हम उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि आपका संघ एवं राज्य से अनुच्छेद 52 से, ठीक है, चलिए लिखेंगे पहला इसमें भाग 5 संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य का मतलब, इसमें संघ का मतलब है पूरा भारत देश और राज्य का मतलब है उसके जो अंग हैं, ठीक है, तो हम इसमें अध्ययन करेंगे संघ एवं राज्यों का, क्लियर, तो इसमें पहला अनुच्छेद लिखेंगे अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है अनुच्छेद 52 में ऐसा आता है प्रश्न जो आपका आया हुआ है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद को ही मेंशन जो किया गया है वो आर्टिकल 52 में है, क्लियर, ठीक है, तीसरा लिखेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब 53 में, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, चौवन लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 56 लिखेंगे, 54 के बाद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, तो इसमें पहला जो आपने लिखा है अनुच्छेद 52, ठीक है, 52 में क्या है आपका राष्ट्रपति का पद ही मेंशन किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 52 में आपका प्रेसिडेंट जो है वो मेंशन है, उसके बाद आपका 53 में क्या है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति यानी वही जो आपकी मंत्रिपरिषद वगैरह मेंशन होता है, ठीक है, कार्यपालिका उसी में आता है, या फिर राष्ट्रपति का जो कानून बनाने की शक्तियां वगैरह इसी पे आता है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट 53 के बाद आप कौन सा लिखे हैं 54 में क्या है आपका निर्वाचन, ये प्रश्न कई बार आया है, ठीक है, 54 का, इसको ध्यान रखेंगे, निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, किस पद्धति से होता है, उसके बाद आपका 56 क्या है पदावधि, ठीक है, तो इन चार को इधर आप शुरू में स्टेट में याद रखेंगे, क्लियर, चलिए अगला लिखेंगे आप अनुच्छेद 60 शपथ एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 61 महाभियोग, जो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है उसको महाभियोग बोलते हैं, ठीक है, महाभियोग लगा के,
61 में लिखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ली जाने वाली जो शपथ है वो अनुच्छेद किस में है, सॉरी अनुसूची में, किस अनुसूची में, क्लियर है। मैंने आपको बताया था ना कि तीसरे के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो मूवी थी ना तीसरी शपथ, ठीक है ना, मूवी का नाम याद रखे तीसरी शपथ, तो आपको ये याद रहेगा कि तीसरी अनुसूची में शेड्यूल जो होती है आपकी शपथ एवं प्रतिज्ञाओं का उल्लेख है, क्लियर, 12 अनुसूचियों में तीसरे नंबर पे जो है। ओके, चलिए अगला लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लगा देंगे इसके नीचे, ठीक है, 63 भारत का उपराष्ट्रपति, हाँ मतलब इसके नीचे लिखोगे अगला 63 अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसके बाद जो इससे लगातार है जुड़ा हुआ 64, ठीक है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक, यस, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति यानी जो सभा का, सभा की अध्यक्षता करता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, जैसे इस पे अपने लोकसभा में क्या होता है स्पीकर, ठीक है ना, क्लियर, तो इस पे क्या होता है ये पदेन सभापति होता है, क्लियर, उपराष्ट्रपति पद है 63 में और जो सभापति का उल्लेख है वो किस में है 64 में, क्लियर है ना, राष्ट्रपति पद का उल्लेख 52 में है, क्लियर, 53 में क्या है उसका कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, फिर शक्ति के बाद है आपका निर्वाचन, ठीक है, 54 में, और 56 में आपका उसका समयावधि या पदावधि है, क्लियर, इतना क्लियर ना, चलिए अगला लिखेंगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 कई बार परीक्षाओं में आया है, ठीक है, दिमाग में रखेंगे आपको खुद भी समझ में आएगा, लिखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्षमादान से समझ रहे हैं मतलब, राष्ट्रपति जब उस पूरा सेक्शन है पढ़ेंगे तो उस पे जो उसका राष्ट्रपति को किसी की माफी माफ करने का अधिकार होता है, पता है ना आपको, मतलब फांसी माफ करने का अधिकार होता है, सजा को कम करने का अधिकार होता है, सजा को परिवर्तित कर देने का अधिकार होता है, ठीक है, होता है ना, या सजा के प्रकार को परिवर्तित करने का अधिकार होता है, क्लियर, तो ये सब आता है उसी में, निलंबन वगैरह, सभा का निलंबन होता है, क्षमादान होता है, ये सारी शक्तियां हैं, ठीक है, लगभग 4-5 शक्तियां हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में है, क्लियर, चलिए अगला लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, सॉरी मतलब 74 अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक, अगला लिखेंगे, आप 74 में लिख रहे हैं मंत्री परिषद, क्लियर है ना, अगला लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 76 76वां भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अच्छा जो आप लिख रहे हैं ना अनुच्छेद को कोशिश कीजिएगा कि एक एक लाइन थोड़ा सा छूट जाए, इसके बाद तो छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है, इस अनुच्छेद के बाद मैं बता दूंगा किसके बाद छोड़ना है एक लाइन, ठीक है, वो क्यों मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी 76, ठीक है, चलिए
अगला लिखेंगे 78। राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, तो ये था आपका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक। क्लियर, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ एवं राज्य। ठीक है, हालांकि इसमें संघ बस का उल्लेख है, राज्य के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए लिखेंगे आप अगला संसद, इसी में ही है। ठीक है, तो अभी आप हम सिर्फ संघ के बारे में पढ़ रहे थे ना, संघ में मतलब आपका राष्ट्रपति था, मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति था। क्लियर, और उसके जो पदाधिकारी थे। चलिए लिखेंगे अगला 79 संसद का गठन। तो भाग 6 हो गया ना? नहीं नहीं, भाग 5 में ही अभी हम पढ़ रहे थे जो, तो ये संघ था इसका। ठीक है, अब इसके बाद ही आपका संसद है। क्या, हाँ लिखेंगे 79 संसद का गठन। संसद का गठन, इसमें तीन ये कंटिन्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो संसद का गठन, संसद मतलब क्या कहलाता है आपका, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना, क्लियर, तो आपका राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर, पहले में संसद का गठन है 79 आपका, फिर उसके बाद है राज्यसभा, उसके बाद है आपका लोकसभा। ठीक है, तो लिखेंगे अगला अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। ठीक, अगला लिखेंगे 81 लोकसभा की संरचना। लिखेंगे अगला 105 ठीक है, संसद सदस्यों, 105 में लिखेंगे संसद सदस्यों और समितियों के, संसद सदस्यों और समितियों यानी संसद में जो समितियां बनती हैं, ठीक है, कमिटीज बनती हैं, संसद सदस्यों एवं समितियों के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं ना, जब 17वां सत्र चलता रहता है ना, तो उनको गिरफ्तारी वगैरह नहीं हो सकती है। ठीक है, उनको वो किसी भी वो कोर्ट में जाने से, उनका सम्मान वगैरह है तो वो मना कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे उनके विशेषाधिकार होते हैं जो सत्र के दौरान होते हैं। क्लियर, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में, ये आता है दिमाग में रखेंगे, संसद के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार। ठीक है, स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए अगला लिखेंगे 108 मैंने बताया है ना, अनुच्छेद 108। हाँ, लिखेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। सदन बुलाता कौन है इसका, 17वां सत्र कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो होते हैं, और इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। दिमाग में रखेंगे अनुच्छेद 108, विशेषाधिकार जो मैंने बताया 105। क्लियर, चलिए अगला लिखेंगे धन विधेयक की परिभाषा, 110 धन विधेयक की परिभाषा। एक चीज ये याद रखेंगे, जो आपका धन विधेयक है, ठीक है, जिसको आप मनी बिल बोलते हो,
कोई भी बिल और एक्ट तो समझ रहे हैं ना, यदि ये संसद में पेश किया जा रहा है कोई प्रस्ताव, तो वो बिल है और कानून बनने के बाद होता है वो एक्ट, ठीक है। तो कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका जो निर्णय करता है वो कौन करता है? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो स्पीकर होता है वो क्लियर करता है कि मनी बिल है कि नहीं है, समझ रहे हैं। और मनी बिल में ये रहता है कि लोकसभा से पारित तो पारित, ठीक है, राज्यसभा की सिर्फ इसमें सहमति ली जाती है, लेकिन वो बात है कि देगी सहमति, ठीक है, और यदि वो लौटा भी देती है तो भी पारित माना जाता है मनी बिल की, ठीक है। इसलिए इसके बारे में कभी कभी कंट्रोवर्सी रहती है कुछ चीजें, जैसे आपका जब आधार कार्ड के लिए जो विधेयक आया था उस समय पे, तो सरकार ने इसको मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें लगता है सरकार को कि जो दूसरे सदन में जब मेजोरिटी नहीं होती, उनकी बहुमत नहीं होता, तो वो मनी बिल के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ मिलते जुलते प्रावधान यदि हैं तो, ठीक है। तो सरकार को ये आसानी हो जाती है, लोकसभा में बहुमत होता ही है तो लोकसभा से पास तो पास, क्लियर। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये 110 है, और धन विधेयक और बजट में अंतर है, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि जो आपका धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में है, जबकि जो आपका बजट है, क्लियर, बजट तो वो है आपका अनुच्छेद 112 में, क्लियर। लिखेंगे अनुच्छेद 112। एक चीज ये भी दिमाग में रखेंगे कि बजट जैसा कुछ भी शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हम जिसको बजट बोलते हैं, ठीक है, कि बजट पेश किया जा रहा है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो संविधान में मतलब उल्लेख है इसका, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट का ओरिजिनल मीनिंग होता है चमड़े का थैला, ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये उल्लेख है कि ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्लियर। चलिए लिखेंगे अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। चलिए अगला लिखेंगे अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। न्यायालय, ये यही है कि आपकी न्यायपालिका और आपकी विधायिका अलग हो रही है, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, समझ पा रहे हैं ना। न्यायालय यदि संसद की कार्यवाही का जांच नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि न्यायालय संसद की कार्यविधि में इंटरफेयर नहीं कर रही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये है आपके अनुच्छेद 122 में। अगला लिखेंगे 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123। ठीक है, अब जितना आपने इधर अभी देखा ना, अब थोड़ा सा राज्य के बारे में इसी के साथ पैरेलल पढ़ लीजिए, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है राज्य के बारे में जैसा क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए
अच्छा नहीं लिखी लो पहले एक दो चार लाइनें और फिर बताते हैं अपन। लिख लेंगे अगला 124 उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन एक सौ पच्चीस में लिखेंगे और सॉरी मत लिखिए, लिखेंगे अगला 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ठीक है। अभी अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख क्या होते हैं, पुरानी लिखी हुई चीजें यही बोलते हैं ना, अशोक कालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है किस अनुच्छेद में 129 में ठीक है, रखिएगा दिमाग में अच्छे से। 129 का अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है कि यदि किसी भी न्यायालय ने कोई फैसला दिया है आप देखते होंगे तो उसको एज अ रेफरेंस बताया जा सकता है ठीक है, कि इस न्यायालय के इस फैसले के अनुसार ये चीजें हो गई। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया ठीक है, उस फैसले का उल्लेख करके पुराने किसी फैसले का उल्लेख करके वर्तमान का भी फैसला लिया जा सकता है, समझ पा रहे हैं ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए 10% आरक्षण दे दिया सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट वाले भी बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से कि मतलब कि इस वर्डिक्ट के हिसाब से इस निर्णय के हिसाब से आपको यहां भी दिया जा सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो अभिलेख बतौर की यूज किया जाता है, मतलब उनका जो फैसला होता है वो एक नजीर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों का मतलब यहां पे बात सिर्फ हो रही है अभी उच्चतम न्यायालय की ठीक है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है कि यदि उसने किसी भी मेजर पोर्शन में कोई फैसले दे दिए हैं तो वो भी आपको ये माना जाएगा कि ये वर्तमान में भी प्रचलित हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले जो आपका ये पर्यावरण अनुच्छेद 21 में जो स्वच्छ वातावरण स्वच्छ पर्यावरण ठीक है, नहीं स्वच्छ वातावरण पर्यावरण आपका मूल अधिकार है ठीक है क्लियर। तो इसका मतलब ये है, ये किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आप जीवन का अधिकार ऐसा नहीं बोल सकते किसी को ले जाके कहीं फेंक दो सड़ी गली जगह में और बोलो कि उसको जीवन का अधिकार है, आप उसको स्वच्छ वातावरण पर्यावरण और स्वच्छ पानी देंगे ये भी उसका अधिकार है ठीक है। तो ये फैसले से ये चीजें मॉडिफाई कहां से हो रही हैं, फैसलों से ही ना, उसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं ना। तो इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहां पे अभी, उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय के बतौर कार्य करता है ठीक है। चलिए लिखेंगे उच्चतम न्यायालय की रिट निकालने की शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की रिट वही है समादेश जो मैंने बताया था हैबियस कॉर्पस मैंडामा सर्टियोरी ठीक है, याद है रिट बताई गई थी आपको पांच प्रकार की ठीक है। तो जो रिट जारी करने की शक्ति है उसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 100 ठीक है। रिट हिंदी में इसको समादेश बोलते हैं, ज्यादातर रिट ही यूज होता है हिंदी में भी ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां, यहां हर जगह हम उच्चतम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट है ये, उच्च कहीं पे भी नहीं, हाई कोर्ट नहीं है कहीं पे भी। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए ठीक है कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है क्लियर। 226 अनुच्छेद होता है जिसके तहत जैसे अब ये पढ़ रहे हैं 139 और 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है ठीक है, और अनुच्छेद 32 में उसका उल्लेख है
पांच प्रकार की जो आपके समादेश यानी रिट हैं, जैसे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, ठीक है, परमादेश आपका है, ठीक है, उसके बाद प्रतिषेध लेख है, क्लियर, उत्प्रेषण है, और लास्ट में एक और कौन सा है, अधिकार पृच्छा, ठीक है। उनके मैंने आपको बताया, देखिए अधिकार पृच्छा में यह होता है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो नीचे वाले व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको नाजायज रूप से अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक है, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकती है कि आप फला स्थान पे फला समय में उपस्थित करें इसको, ठीक है। प्रतिषेध लेख में यह होता है कि उसको नीचे वाले न्यायालय को यह बोल दे सकती है कि वो आप इस पे कार्रवाई ना करें, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब यह होता है कि नीचे वाले न्यायालय को उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं कि आप ये केस को आगे भेजिए, हमारे पे भेजिए, ठीक है। ये पांचे हैं, पांच हैं, और पांचों मैंने आपको बताए हैं डिटेल से, ठीक है, आप नहीं थे उस समय पे। चलिए लिखेंगे अगला 141। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होना, आबद्धकारी यानी कि मानने की अनिवार्यता, ठीक है, बंधे हुए हैं मानने के लिए, ठीक है। एक सौ 143 में लिखेंगे, ये मैंने बताया है आपको, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्लियर, लिखेंगे 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148, ठीक है। उसके बाद है आपका 149, इसी में CAG की कार्य एवं शक्तियां, ऐसा लिख लीजिए, CAG की कर्तव्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां 149 में बोल रहा हूं मैं, जो महा CAG का उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में है, और उसके कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है 149 में, क्लियर। लास्ट PSC में ये प्रश्न आया था, 149 अनुच्छेद पूछा था उसमें, ठीक है। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है ना, CCC याद है, मैंने बताया था सिटीजनशिप, CAG और बाई कैमरल यानी द्विसदन व्यवस्था, CCC, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस देश से लिया गया है संविधान में, तो आपको दिमाग में रखना है कि ब्रिटेन से, क्लियर। और अनुच्छेद 148 में उल्लेख है, कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख 149 में, ओके। चलिए अब आ जाइए आप फिर से पन्ना पलटा लीजिए अपना, जहां पे आप शुरू किए थे राष्ट्रपति से, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, 52 में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पे राज्यपाल की, जैसे हमने राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय का अभी पढ़ रहे हैं, दो चीजों को देखा, अब हम उच्च न्यायालय और राज्यपाल को देखेंगे, क्लियर, और उससे जुड़ी हुई जो दो भी सिमिलर चीजें, ठीक है। तो आपको पहले यह बताइएगा मुझे कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कितने में है, 52 में, ठीक है।
तो यहां आपका जो राज्यपाल पद का उल्लेख है वो है 153 में, ठीक है। एक ज्यादा 52 में एक ज्यादा कीजिए 53, और 153 में आपका राज्यपाल का उल्लेख है, क्लियर, ठीक है। अब इसी से जोड़ दीजिए दूसरा, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखते रहिए, मैं आपको जो पैरेलल बता रहा हूं आप लिखते रहो, ठीक है, कंटिन्यू लिखो इसी में, ठीक है। अगला, हालांकि आप जगह नहीं होगी मुझे पता है ना, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, लिखिए आप कंटिन्यू अपने ही किताब में, जैसे लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज में जो पढ़ रहे हैं आगे पढ़ते रहिए, आगे लिखते रहिए, मैं आपको पैरेलल बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप घर में जाके एक बार उसको बगल बगल में लिख लेना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख था, तो 153 में आपका राज्यपाल हो गया। जो आपकी कार्यपालिका शक्ति संघ की वो कितने में थी? 53 में। तो यहां 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, क्लियर, लिख लो 153 में राज्यपाल लिख लीजिए। हम लोग भाग 6 में आ गए ना? यस, अभी आप पढ़ रहे थे संघ, अब आएगा आपका राज्य, वही 52 से 151 भाग 5 जो होता है, ठीक है। 154 में क्या था? जो 53 में था वो आपका 54 में राज्य में है, 53 में था आपका राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो 154 में है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति, लिखेंगे 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। 153 में राज्यों का राज्यपाल हो गया। यस, जो राष्ट्रपति का समय काल था वो कितने में था? पदावधि 56 में था ना, ठीक है, तो आप 156 में लिखिए राज्यपाल की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि का मतलब समय काल, कितने समय राष्ट्रपति रहेगा, कितने समय तक, तो 156 में लिखिए राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156, ठीक है। अब मैं थोड़ी लिख के आया हूं संविधान कि अपने से हो जाए, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, जो राज्यपाल का राष्ट्रपति की शपथ किसमें थी? 60 में थी ना, ठीक है, लिख लीजिए राज्यपाल की शपथ 159, एक कम है ये, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, क्लियर। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियां हैं, क्लियर, वो किस अनुच्छेद में थी? 72 में। जो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं वो है अनुच्छेद 161 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे अच्छे से, स्पेशली ये पैरेलल चल रहा है इसलिए, क्लियर, लिखेंगे अनुच्छेद 161। एक चीज ये भी याद रखेंगे कि जैसे क्या होता है कि मृत्युदंड को राष्ट्रपति पूरा माफ कर सकता है, मृत्युदंड को यानी कि फांसी को राष्ट्रपति पूरा माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। दूसरी चीजें ये होती हैं कि जो आपकी सैन्य न्यायालय होते हैं, सैनिक न्यायालय, ठीक है, क्लियर, तो सैन्य न्यायालय में भी फैसलों पर राष्ट्रपति निर्णय दे सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं दे सकता, ये दो विशेष अंतर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब आएगा पूरा तो मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी अनुच्छेद आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। चलिए 161 लिखेंगे राज्यपाल की क्षमादान एवं शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान एवं शक्तियां,
अब उसमें संघ में जो मंत्रिपरिषद थी वो किसमें थी? 74 में, है ना, और इसमें हो रही है 163 में। क्लियर है? अच्छा, कुछ कुछ तो दिमाग में टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, कि सब सपाट जा रहा है? इधर वाला नहीं टिक रहा, उधर टिक रहा है, बहुत दूर गैप हो गया। अच्छा, बहुत गैप हो गया। देखिए, यदि मैं कह रहा हूं, यदि ये पहली दफा में, ठीक है, इन फर्स्ट इंस्टेंस आपके पास दिमाग में 10% भी टिक रहे हैं ना, तो बहुत है। क्लियर? किसी को भी याद हो, हम पढ़ रहे हैं 4-5 साल से, लेकिन फिर भी यदि अचानक से कोई पूछेगा, ठीक है, कोई भी पूछे तो एक बार सोचना पड़ता है, ठीक है, जबकि ना जाने कितने बार पढ़ा होगा। तो यदि आपको 10% भी अभी टिक जा रहा है, क्लियर, यदि 100 अनुच्छेदों में आपके पास 10 भी दिमाग में टिक रहे हैं, तो बहुत है। और सबसे अच्छी चीज तो यह है कि आपको अभी मूल अधिकार वाले तो आपके क्लियर होंगे, डीपीएसपी के तो बहुत सारे क्लियर होंगे, है ना, नीति निर्देशक तत्वों के। और इसमें यदि आपको राष्ट्रपति एक पहला तो क्लियर ही होगा कि भैया ये 52 है, ये 153 है, ये तो क्लियर होगा ना, 72-161 तो क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है, और ये आपका जो 74-163 है, ये तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो 2-4 भी यदि आपके दिमाग में टिक रहे हैं तो मान लीजिए क्लास सफल है। ठीक, चलिए लिखेंगे, 163 लिख रहे हैं ना, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद, हालांकि पॉलिटी पूरी होते होते मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जिनका थोड़ा बहुत भी भेजा चलता होगा, 10-20% भी, तो उनको सबको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बार तो सुन सुन के तोता भी रट लेगा, आप तो फिर भी इंसान है, ठीक है। चलिए, मंत्रिपरिषद लिख लिया ना 163 में, उधर संघ में कितने में था ये? 74 में, मात्र 74 में, ठीक है। अगला लिखेंगे 165। अच्छा, राज्य के लिए मतलब संघ के लिए जो महाधिवक्ता मैंने बताया, देखो 76 में क्या है, ठीक है, महान्यायवादी, क्लियर, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हो आप, ठीक है, महाधिवक्ता भी उसको, मतलब देखिए वहां केंद्र में उसको महान्यायवादी बोलते हैं और यहां इसको महाधिवक्ता बोलते हैं, ये समझिए, ठीक है, वहां इसको अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं और यहां इसको महाधिवक्ता बोल रहे हैं। तो वो अनुच्छेद कितने में था? 76 में, और ये कितने में है? 165 में, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे 165, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता लिखते बन जाएगा, चाहे महाअधिवक्ता लिख लो, ठीक है, महा प्लस अधिवक्ता कर लो या महाधिवक्ता कर लो, एक ही है। चलिए, आपने वहां पे देखा कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति को सलाह देना, किसमें था ये अनुच्छेद? 78 में, ठीक है, क्लियर, और यहां पे कितने में हो रहा है ये? 167 में, ठीक है। तो वहां पे कितने में सलाह दे रहा था? 78 में, और यहां पे 167 में, मतलब कि 8 और 7, ठीक है, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसमें एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अगला आता है, जैसे आपको 79 में क्या था, संसद का गठन, 79 में क्या था, संसद का गठन, यहां पे 169 में आपका क्या है ये?
विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरह राज्य में विधान परिषद होते हैं, पर हर राज्य में नहीं है। क्लियर? कितने राज्यों में है कल आप गूगल करके लाना मुझे। आठ ही है। लेटेस्ट कहां बनी है ये बता दो। ठीक है, विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा अच्छे सर्च करके आइएगा, क्योंकि इस पे हटती घटती रहती है। ठीक है, ये राज्यों के ऊपर पूरी तरह से होता है कि वो बनाना चाहते हैं कि नहीं। क्लियर? सिर्फ केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है। क्लियर? तो आपका जो संसद का गठन था वो क्या था, अनुच्छेद 79 में, 79 में। अच्छा, ये 69-79 का कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है, तो ये 169 है, ठीक है, और ये आपका 79 है। ये संसद का गठन का बोल रहा है और ये विधान परिषद के गठन का बोल रहा है। लिखेंगे 169 में, लिखेंगे 169 विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन या सृजन। ठीक है, अभी विधानसभा की संरचना और विधान परिषद संरचना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसके अनुच्छेद सारे अनुच्छेदों की पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, देख लेना, जो इसमें से कुछ एक आध छूट भी रहे हैं उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के पास किताब होगी एक ये पॉकेट आती है। ठीक है, सिर्फ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया रहता है। ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा उठा के ले आओ। क्लियर? क्योंकि इसके पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल के हैं वो मैं बना के पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। क्लियर? तो आप लोग अपना देख लेना। चलिए अगला लिखेंगे 199 धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, कोष्टक में लिख लेंगे राज्य में धन विधेयक, वही मनी बिल जो वहां पे कितने में था, 110 में। बजट कितने में था, मतलब वित्तीय विवरण 112 में। ठीक है, तो यहां पे आपका कितने में हो रहा है, ये 199 में धन विधेयक, कोष्टक में लिख लेंगे ब्रैकेट में राज्यों में। ठीक है, क्लियर? अब 112 में आपका कहां पे क्या था, वहां पे वित्तीय विवरण ना। यहां पे 202 में राज्य का वित्तीय विवरण। ठीक है, राज्य का वित्तीय विवरण 202, अनुच्छेद 202 वित्तीय विवरण। वहां पे संसद की कार्रवाई का जांच उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता, न्यायालय नहीं कर सकता। किसमें था ये, 122 में ना। ठीक है, तो 122 से आप 212 निकाल सकते हो, 212, 122। तो राज्य में जो आपकी विधानसभा है उसकी कार्रवाई की जांच न्यायालय नहीं कर सकती। तो लिख लीजिए, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। हाँ, 212 अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। न्यायालय द्वारा राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। ठीक है, न्यायालय द्वारा राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। क्लियर?
अब देखिए 123 में क्या था, राष्ट्रपति की अध्यादेश निकालने की शक्तियां। अध्यादेश क्या होता है बताया हूं ना, अध्यादेश ये होता है कि यदि मान लीजिए संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं कोई भी और किसी कानून की आवश्यकता पड़ रही है तत्काल, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला के कानून बना सकता है। यानी अध्यादेश ला देगा वो कि ये कानून आज से माना जा रहा है और उसको 6 महीने के अंदर संसद द्वारा पारित कराना होता है। क्लियर, इसका उल्लेख है अध्यादेश राष्ट्रपति वाला 123 में। तो आप 123 से 213 निकाल लेंगे, 2 1 3 1 2 3 निकल आएगा ना, 123 213 निकल सकता है। लिखेंगे 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। ठीक, ओके। अब बताइए आपको जो उच्च न्यायालय था, सॉरी उच्चतम न्यायालय था, कितने में था, 124 में था ना, ये 124, तो आप इससे 214 निकाल लेंगे, निकल आएगा ना। तो लिखेंगे 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय कितने में मान रहे थे आप, 129 में ना, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए 215, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215, अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, रिट निकालने की शक्तियां कितने में थी, 139 ना, यहां पे है 226। मैंने उस समय बताया था आपको 32 के साथ में कि उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्तियां। उच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्तियां, ठीक है। अब ये जोड़े तो आपने याद किए हैं कि नहीं किए, लिख लिया है जो मैं बताया हूं, थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, क्योंकि देखिए इससे सरल नहीं बताया जा सकता, ठीक है, नहीं तो फिर आप रटते रहिए संख्या पे संख्या। ठीक, जैसे मान लीजिए एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, 52 था उधर राष्ट्रपति पद, राज्यपाल है 153 में, ठीक है। उसके बाद आपका शक्तियां है संघ की कार्यपालिक शक्तियां जो है 53 में, इधर है 154 में, ठीक है, राज्य की। क्लियर, उसके बाद आपका जो पदावधि है राष्ट्रपति का वो है 56 में और इधर 156 में, ठीक है। पदावधि को कैसे याद कर सकते हैं, 6 चौके 24 होता है, 24 घंटे समय दिन समय पदावधि, ठीक है, समय काल, ठीक है, तो 156 में याद रखिए। क्लियर, क्लियर, तो 56 और 156। उसके बाद आपका 60, 60 में क्या है इसके, शपथ, ठीक है, और इनका इधर कितने में है, 159 में, एक कम हुआ है ना। उसके बाद आ जाइए इधर है 61 में क्या आपका महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग 61 है, दिमाग में रखेंगे, क्लियर। उसके बाद आपका जो क्षमा दान शक्ति है
72 में है, इधर कितने में है? 161 में। क्लियर। राष्ट्रपति का जो रिट निकाल अध्यादेश की शक्तियां हैं 123, 213, राज्य में कितने में है? 213। क्लियर। आपकी जो उधर 76 में आपका अटॉर्नी जनरल है, इधर महाधिवक्ता कितने में है? 165 में। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपका उधर 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, इधर कितना है? 214 में उच्च न्यायालय। क्लियर। 202 में आपका राज्य का बजट है, उधर 112 में केंद्र का बजट है, ठीक है। संयुक्त सदन भी आपको मैंने बताया 108 में है, संसद के विशेषाधिकार आपके 105 में है। क्लियर है ना? ठीक। तो ये मोटे मोटे आपको याद रहेंगे कि नहीं? ये सेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा संघ एवं राज्य अनुच्छेद 51 से 152, ठीक है। ये पूरा सेक्शन दिमाग में रखिए, घर में जाइएगा, टेबल टाइप का बना लीजिएगा एक कॉपी में, पैरेलल इधर का इधर, इधर का इधर, दो चार दिन देखिएगा, नोट्स में चिपका लीजिएगा अपने वो बना के, या नोट्स में ही उस टेबल टाइप का बना लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा, ठीक है। जितने अनुच्छेद बताए हैं परीक्षा में घूम घाम के आते ही रहते हैं, ये आपको याद रहेंगे, तो आगे की पॉलिटी भी आपको आसान रहेगी। हमने बात की थी पहले अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52, 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद था, ठीक है ना? क्लियर। और इधर राज्यपाल का पद कितने में था? 153 में, ठीक है। कार्यपालिक शक्तियां राज्य की थी अनुच्छेद 53 में, इसका किधर था? 154 में। क्लियर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में था, और इसकी नियुक्ति कितने में थी? पदावधि इसमें 56 में थी, और ये भी इधर 156 में थी, ठीक है। क्लियर। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें आया था, एक था आपका अनुच्छेद 60, ये था शपथ, ठीक है। इसकी भी शपथ बताया था क्या? 159। क्लियर। इसके बाद आपका 61 में महाभियोग, महाभियोग का मतलब ये होता है राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। महाभियोग यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि यदि राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तब ये महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है। ये संसद से पहले पारित होती है, क्लियर, मतलब इसकी हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करता है, संसद से पारित होती है, इसके बाद ये चीजें होती हैं। क्लियर। 61 था। उसके बाद आपका 63 में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उनके जन्मदिवस के लिए भी कुछ मनाते हैं, शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को होता है आपका शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, और इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। चलिए, ओके, ये हो गया आपका 63, है ना, इधर भी क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट में अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अभी आपको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आपका आ जाइए 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। क्लियर। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलते हैं। क्लियर है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो राष्ट्र उपराष्ट्रपति होने के कारण, वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण नहीं मिलते हैं, वो उपसभापति है राज्यसभा का, इसलिए मिल रहा है, ठीक है। क्लियर। क्योंकि वो दो अहम भूमिकाएं कर रहा है, एक तो वो राज्यसभा का
सभापति है, ठीक है, और दूसरी चीज उपराष्ट्रपति भी है, क्लियर, ठीक है। 64 के बाद फिर क्या है, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान शक्तियां जो मैंने बताया था कि वो किसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, सजा को बदल सकता है, 72 ही तो है ना, हाँ ठीक है 72 है, ठीक है। और उधर आपका राज्यपाल का कितने में है, 161, ठीक है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, क्लियर। राज्यपाल में इतना ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल किसी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, क्लियर। और सैन्य अदालत जो होती है, यानी कि जो सेनाओं की अदालत होती है, ठीक है, जिसमें कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, कोर्ट मार्शल वगैरह समझते हैं ना, कि किसी का डिमोशन हो जाता है, क्लियर, या फिर हटा दिया जाता है सजा से, क्लियर, कुछ समय के लिए उनको उस पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो सैन्य अदालतों को फैसलों को माफ करना, कम करना जैसी चीजें सिर्फ राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपका 72 हो गया। उसके बाद इधर क्या है, 74 में केंद्र में मंत्रिपरिषद है, ठीक है, सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को, और इधर कितने में है, 163, ठीक है। मतलब विधानसभा में मंत्रिपरिषद होती है जिसकी सलाह से मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है, क्लियर, ये चीजें हो गई। 76 है जिसमें आपका महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब देखिए अटॉर्नी जनरल है क्या, ये बताइए मुझे, कौन होता है ये महान्यायवादी, वकील होता है, करता क्या है, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बताओ, मैं बता चुका हूँ पहले, यहाँ किसी की इज्जत जैसी कोई चीज नहीं है, ना बेइज्जती जैसी किसी चीज होती है, जो पता वो बताओ, प्रीति आप बताओ, नहीं बता, और कोई पॉलिटी आप लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो क्या, है तो काफी सीनियर सीनियर लोग, टेंथ की पॉलिटी तो किसी को नहीं याद होगी, वो तो मुझे भी पता है। नहीं पता, देखिए सही बोल रहे हैं ये, कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार का वकील होता है, यानी कि सरकार का पक्ष, सरकार का पक्ष कहीं भी रखना हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या किसी भी देश के न्यायालय में, तो वो रख सकता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और राज्य में वो कौन होता है, महाधिवक्ता, ठीक है। यहां पे है वो आपका अनुच्छेद 76 में, ठीक है, महान्यायवादी आपका 76 में है, और वो अधिवक्ता किस में है, 165, ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा ना इतना, ठीक है, ओके। और क्या बच रहा है इधर, फिर 78 में ये होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारियां देता रहेगा सरकार से और यथास्थिति के संबंध में, क्लियर। और इधर मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा, कितने में है ये, 167, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है 79, संसद के बारे में बताया गया है, संसद का गठन। उसके बाद आपका आता है 80, ये 79 और 69 में कंफ्यूजन वाले तो नहीं हो ना, है एक आध होंगे तो श्योर है, ठीक है, कि 59 को 69 बोलेंगे, 69 को 59 बोलेंगे, है ना, है ना, तो इसको मत रखिएगा दिमाग में, क्लियर है। यदि कुछ नहीं होता तो इंग्लिश ध्यान रखिए, 79 69 59, स्पेशली ये अंग्रेजी माध्यम वालों को समस्या है। तो आपका 79 में संसद का गठन है, 80 में आपका राज्यसभा है, ठीक है, और 81 में क्या है, लोकसभा है, क्लियर। उधर आपका विधानसभा कितने में है, 169 में आपका विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन से,
कितने लोगों ने सर्च किया ईमानदारी से बताओ, किया था कितने पता चले? 7 बता रहा था। ठीक है, मतलब नहीं किया हो, बहुत अच्छा। कल से अभी तक में कितने लोगों ने एफबी खोला है? एफबी फेसबुक, ईमानदारी से बताओ खोले? 6 राज्यों में। हाँ, और कुछ करिएगा नहीं करिएगा, थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा मुझे, ठीक है? कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है इसलिए बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो इसमें ये कि विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, और किस फील्ड से कितने सदस्य लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद के सदस्य इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, क्लियर? मतलब जनता नहीं चुनती है उनको। शिक्षा के क्षेत्र से कुछ लिए जाते हैं, आपके कुछ टीचर्स लिए जाते हैं, पुराने वरिष्ठ जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है? मतलब लगभग ये 6 फील्ड से लिए जाते हैं, 1/6, 1/6, 1/6, 4 और 1/12, 2, ठीक है, इस तरह लिए जाते हैं। मनोनीत होते हैं ये समझ लिए सारे सदस्य, मनोनीत समझते हैं ना आप? चयनित और मनोनीत कितने लोगों को मनोनीत नहीं पता बताओ यार, नहीं पता है तो पता नहीं पता ना आपको भी नहीं पता, बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं पता है तो अच्छी चीज है, हम बता रहे हैं। देखिए मनोनयन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है? चयन होता है, ठीक है ना, यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड, ओके। और यदि पहले जो दादा के जमाने में, ठीक है ना, तो ऐसा समझिए कि आपने गए, ठीक है, आप बहुत फेमस हो गए किसी विधा में, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, नेताजी को पसंद आ गए, बोल दिए डीओ को कि भाई इनको चयन कर लो आप, ठीक है ना, किसमें? शिक्षक के रूप में। तो वो जो डायरेक्ट नियुक्ति हो गई, ना कुछ परीक्षा हुआ है ना कुछ हुआ, सीधे आपको रख लिया गया, तो वो क्या हो जाता है? मनोनयन, ठीक है, क्लियर? तो आपको मनोनीत कर दिया गया और आपको चयनित किया गया, ये अलग हुआ, ठीक है ना, यू आर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज योर सिलेक्शन, ठीक है ना। और यदि आपको सीधा उठा लिया गया तो वो आपका हो गया मनोनयन, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे राज्यसभा के कुछ सदस्य जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था ना 4 क्षेत्र थे, कौन कौन सा था? 8, 8 यानी कला। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, पहला हो गया 8, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से, साइंस विज्ञान के क्षेत्र से, और ये सोशल वर्क समाज कार्य, मतलब 4 विधाओं के लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। तो ये तो डायरेक्ट उठा लेता है ना, जैसे सचिन को अच्छा खेलता है, सचिन को रख लिया, रेखा को उठा लिया भैया कि वो कलाकार अच्छी है, ठीक है। ऐसे ही किसी जो एक समय पे कौन थे, वो हिमाचल के एक इंग्लिश लेखक हैं, उनको रखा गया था, ठीक है। तो ये विधाओं से, 4 विधा से, ALSS मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, आर्ट लिटरेचर साइंस एंड सोशल वर्क, ठीक है, कला साहित्य विज्ञान और समाज कार्य, ठीक है। तो इसके विधाओं से 4 लोगों का मनोनयन होता है, क्लियर। तो जो आपके विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका सिर्फ मनोनयन किया जाता है, क्लियर। नहीं वो लिया जाता है कभी कभी, इनको देखिए कला में लिया जाता है, ठीक है, खेल का जैसे आपको पहले भारत रत्न नहीं दिया जाता था तो उसको कलात्मकता में ले लेते हैं, ठीक है, आपके अंदर खेलना भी एक तो कला है ना, ठीक है, मोरली उसको ये मान चलते हैं कि ये कला है, क्लियर। यदि आप कोई खेल दिखा रहे हैं, जैसे कोई जादू दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कोई बंदर का खेल दिखा रहा है, कुछ भी कर, गुड़ियों का खेल दिखा रहा है, तो क्या ये एक आर्ट है ना, तो उसी खेल को जोड़ते जोड़ते वो क्रिकेट को भी, वो गेम्स, अब क्योंकि खेल जोड़ा नहीं गया अभी, ठीक है ना, तो उसको कला में ले लेते हैं कि आपकी एक कला है जिसके में आप पारंगत हैं, ओके, ठीक है। तो हम थे विधान परिषद में, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आपको 105 मैंने बताया था, संसद के सदस्य और समितियों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105,
विशेषाधिकार स्पेशल प्रिविलेजेस, क्लियर, दिमाग में अच्छे से रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 108 में आपको बताया गया था संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, क्लियर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। एक चीज इसमें यह ध्यान रखेंगे कि अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, और बुलाते हैं राष्ट्रपति, क्लियर ना, ओके। 108 के बाद 110 में है आपका धन विधेयक या वित्त विधेयक, क्लियर, और उधर राज्य में कितने में है, 199 में आपका है वित्त विधेयक, दैट इज मनी बिल, ठीक है ना। मनी बिल और बजट में अंतर है, बजट आपका राज्य में 202 में है और केंद्र में आपका 112 में है, क्लियर है, ठीक, ओके। उसके बाद आप आ जाइए 123 में, 122 में भी कुछ है, मतलब जो न्यायालय, हाँ, कि जो कार्यपालिका आपकी हो गई विधायिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, मतलब जो न्यायालय है, ठीक है, वो संसद की किसी भी कार्रवाई में प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकती, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं कर सकती, ना ही जांच कर सकती। ये 122 में है और उधर 212 में है, ठीक है। अनुच्छेद 122 में मैंने बोला था ना कि आपको इससे यही निकाल लेना है, 212 में, तो उधर ये हो जाएगा कि हाई कोर्ट विधानसभा की किसी कार्रवाई का जांच नहीं करेगा, क्लियर। उसके बाद है आपका 123 अध्यादेश, है ना, अध्यादेश आप लोग जानते हैं, अध्यादेश तो सबको पता होगा ना, हाँ, क्या होता है अध्यादेश, क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है, अभी मैं कल ही बता रहा था, अब शासन हो गया आज। अध्यादेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और अरे अंग्रेजी पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, उड़ रहा दिमाग से मेरे, बताता हूँ फिर। अध्यादेश कितनों को नहीं पता ये बता दो, चलो आपको भी नहीं पता, मैं कल बताया हूँ क्या, तो घर में क्या रोटी पो रहे थे उसमें क्या, नहीं बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे रहो ना, दिमाग तो यहाँ रखो, जहाँ पे जब जैसे जो काम करो वहाँ पे दिमाग रखो, वो तो ठीक है। नहीं आधे तो ऐसे रहते हैं कि देख रहे हैं बोर्ड तरफ और आधों का दिमाग चल रहा है घर में, मम्मी क्या कर रही होगी, छोटा भाई क्या कर रहा होगा, ठीक है। देखिए अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब कभी संसद का सत्र नहीं चलता है, जैसे इस समय में सदन नहीं चल रहा है, नहीं चल रही ना सदन, सदन से ही तो कोई कानून बनता है। आपको पता है कि तीन प्रकार के सत्र होते हैं, संसद तीन बार बुलाई जाती है सत्र, ठीक है, उसी दौरान कानून बनते हैं या कोई भी आपके विधेयक पारित होते हैं, पारित होते हैं ना। और इस दौरान मान लीजिए कोई अचानक से कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, अचानक से कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, हालांकि उनको सलाह वो प्रधानमंत्री देते हैं, मंत्रिपरिषद देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस समय अध्यादेश ने राष्ट्रपति ने कोई कानून बना दिया, यानी कि अध्यादेश जारी कर दिया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जब ये SC ST एक्ट भी आया था आपका, तो ये अध्यादेश के थ्रू ही आया था, ठीक है ना, हाँ, किसानों का बिल भी जैसे पारित होता है तो अभी मतलब हुआ है, फिर इसको संसद पास की है, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जब सत्र, संसद का सत्र आपका कार्यालय नहीं है, कार्य में नहीं चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति आदेश निकाल देते हैं कि ये आज से कानून होगा, ठीक है, हम ये नियम बना दे रहे हैं। उसमें संसद को पारित होने की जरूरत नहीं है, ना लोकसभा से बहुमत चाहिए ना राज्यसभा से, ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति आप एक आदेश दे सकते हैं, तो वो होता है अध्यादेश, ठीक है, क्लियर। तो वो यस, हाँ, ऑर्डिनेंस, सॉरी, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस यही है आपका, अध्यादेश यही है कि मतलब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति एक विशेष अधिकार के तहत कानून बना सकते हैं जिसको अध्यादेश बोलते हैं। ये अनुच्छेद 123 में है आपका केंद्र में, ठीक है, और वहां पे कितने में है, 213 में, 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्यपाल राज्य में कानून के लिए करते हैं, क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका आता है 124 उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट की चीजें इस पर बताई गई हैं, क्लियर है, और इधर आपका क्या है 214, यानी कि उच्च न्यायालय की चीजें बताई गई, क्लियर। मैं ये कहता हूं कुछ ना हो रहा तो आप ये कपल्स रख लीजिए इनको, ठीक है ना, जो ये जोड़े बने हुए हैं ना, इनको आप लिख लीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और दिमाग में आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि ये मैं अभी बता रहा हूँ ना, आप एक दो महीने में नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके जोड़े भी भूल जाएंगे कि किसका क्या था, ठीक है? क्योंकि किसी भी किताब में ये जोड़े में नहीं दिया रहता है, ठीक है? वो आपको तब पता चलता है जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आपका दिमाग लगा के बता दे रहा हूँ कि ये इतना होगा, ठीक है? इससे आसानी भी रहती है, क्योंकि ये जैसे 212 से 122 निकालना, 124 से 214 निकालना, ये आसान है थोड़ा सा, ठीक है? क्लियर? तो ये 124 में आपका है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और 214 में आपका क्या है उच्च न्यायालय। पॉइंट क्लियर? और कुछ? इसके बाद आपका 129 में है, 129 यानी होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब बताया था कल, अच्छा अभी बता दो कितनों को नहीं पता। अभिलेख न्यायालय यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है? पुरानी चीजों को याद करके जो नए नियम बनाते हैं। कितनों को नहीं पता? पता है, पता है, हाँ हाँ बताओ थोड़ा थोड़ा। कि मतलब जो पुरानी चीजों पे जो शिवम भैया होता है। ठीक है, और बताओ। जैसे खुदाई के बाद पुरानी चीजें मिलती थी। मैं नहीं, अभिलेख मत बताइए, आप अभिलेख न्यायालय का मतलब बताइए। मतलब जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करता है, इसका मतलब क्या है? बाल लास्ट है, बताइए भैया आप। उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले होते हैं, उसके आधार पे वो पुराने फैसले होते हैं, उसके आधार पे नए फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। अभिलेख न्यायालय का मतलब यही है कि जो पुराने निर्णय दिए गए हैं ना न्यायालय के द्वारा, उनका रेफरेंस लगा के वर्तमान में फैसले दिए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कह दिया कि 24% आरक्षण दिया जाएगा, क्लियर, किसी भी क्षेत्र में, तो यहां की सरकार भी ये क्लेम कर सकती है कि वहां 24% दिया है तो यहां भी दे सकता है, यहां का भी हाई कोर्ट, क्लियर, ठीक है? जैसे क्या हुआ है कि जो आपका इंदिरा साहनी केस है, ठीक है, जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल में करना, इंदिरा साहनी केस के हिसाब से यह है कि आपका जो आरक्षण है भारत में, ठीक है, वो 50% की सीमा पास नहीं करेगा, जितना देना है एससी एसटी को दे दो, ओबीसी को दे दो, ईडब्ल्यूएस दे दो, जो कुछ भी देना है ना, क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है कि इंदिरा साहनी का केस लगा करके ही जो आरक्षण बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे राजस्थान में हुआ था, ठीक है, जाट और गुर्जर को अलग देने के लिए, तो सीधे वहां का हाईकोर्ट कर देता कि नहीं, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी, क्लियर? कभी कभी वो रेफरेंस लगा के पास भी कर देते हैं, उसको हटा भी देते हैं, और कभी कभी नहीं भी करते हैं, क्लियर? तो ये चीजें होती है कि आप पुराने फैसलों को वर्तमान के फैसले देने के लिए रेफरेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है? वो अभिलेख के रूप में, यानी कि पुराने चीज को निकाल लिया, पुराने फैसलों को निकाल लिया और उसके हिसाब से वर्तमान की चीजें करने लगे, ठीक है ना? जैसे आपके पुराने ग्रंथ हैं उनके हिसाब से आज की लाइफ स्टाइल प्रभावित होती है, आपके समाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है चार वर्णों में, जो भी चीजें, तो वो उसी तरह ही तो अभिलेख के आधार पर ही बना हुआ है ना, तो ये समझ लीजिए, क्लियर? ओके, उसके बाद क्या है? ये उच्चतम न्यायालय का रिट निकालना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, जो पांच प्रकार की अनुच्छेद 32 में उन रिटों का उल्लेख है, और आपका जो उच्च न्यायालय वो 226 से, अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालता है, क्लियर? रिट का मतलब वही होता है, पांच प्रकार की रिट आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है? पहले थी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है? मतलब यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सरकार ने, पुलिस ने उसको अवैध तरीके से बंदी बना रखा है या जेल में डाल रखा है, ठीक है, तो वो उच्च न्यायालय में जाके ये याचिका दायर कर सकता है, ठीक है? तो उस पे जो अथॉरिटी जिसने गिरफ्तार किया है उसको वो आदेश देगी, कौन? उच्च न्यायालय, कि आप फला व्यक्ति को फला समय में फला जगह उपस्थित कीजिए, ठीक है? उस समय उसको गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण देना पड़ता है, यदि वो नहीं दे पाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये हो गया आपका हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरी होती है इसमें परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है, परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश,
ठीक है, तो इस पर आदेश देता है कौन, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, नीचे वाली न्यायालयों को, ठीक है, कि आप ये कार्य कीजिए या ये कार्य नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख में कार्य करने के लिए वो मना करता है, प्रतिषेध करता है, ठीक है, कि आप ये नया निर्णय जो कर रहे हैं मत कीजिए। हाँ, अधिकारियों को दिया जाता है यदि चाहे वो कोर्ट के लिए हो या फिर कोर्ट के बाहर का, ठीक है, तो कोर्ट आदेश देता है, क्लियर। तो बस आप ये समझिए, शब्दों पे बस जाइए आपकी, आपको दिमाग में, ठीक है, कि ये परमादेश है, इसका मतलब यह है कि आदेश देना, ठीक है, वो अपने सबॉर्डिनेट किसी को भी। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, होता है ना, प्रोहिबिशन, ठीक है, बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे यदि पोस्टर लगा होता है कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है, पार्किंग प्रोहिबिटेड, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है ना, तो मतलब क्या होता है, प्रतिषेध, मना करना। तो इस पे जो उच्च न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालय को न्याय निर्णय के लिए मना कर सकता है कि आप इस पे न्याय निर्णय मत कीजिए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद है आपका अधिकार प्रच्छा, मतलब अधिकार पूछा जाता है कि आप ये कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बचा, एक उत्प्रेषण में, तो उत्प्रेषण में जो उच्च न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालयों को बोलता है कि आप इस केस को हमारे पास भेज दो। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रेषण यानी होता है भेजना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना, ठीक है। तो नीचे वाली न्यायालय ऊपर के न्यायालय भेज देगी, क्लियर है, ठीक है। आधा टाइम बताना इसी में चला जाता है आपका रिवीजन में। चलिए लिखेंगे आज नया, कहां तक हुआ था, 226 में वही रिट निकालने की शक्तियां आपका। चलिए लिखेंगे 233, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपके लूसेंट में भी कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें ये तो टॉप मोस्ट दिए हुए हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 233 में लिखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो आपके डीजे वगैरह होते हैं, ये समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जिला न्यायाधीश, क्लियर। चलिए उसके बाद लिखेंगे अनुच्छेद 239, ये इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रकाशन, सॉरी प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, क्लियर। उसके बाद 239 लिखा आपने ना, ठीक है, 239 ए लिख सकते हैं आप या का लिख सकते हैं, लिखेंगे एक ही, ठीक है। 239 में ये भाग है, 239 ए लिख लो या का लिख लो, ठीक है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, हाँ, ये अनुच्छेद 239 का में है, ठीक है, का भाग का है ये, एक ऐसा समझिए, ये अनुच्छेद है, जैसे आप लिख रहे हो ना, 233 लिखा, 234 जो भी लिखा, उसके बाद 239 लिख लीजिए कोष्टक में का, इसमें है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, क्लियर। तो दिल्ली को जो विशेष राज्य का दर्जा है या जो भी है, इसका उपबंध 239 का में किया गया है, कई बार परीक्षाओं में देखा हूं मैंने, ठीक है, कई बार देख चुका हूं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर। और हाँ, दूसरी चीज ये कि इसमें 239 में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का है, लेकिन इसमें सिर्फ दिल्ली के लिए, जैसे हाँ, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, किस संशोधन में, हाँ, अनुच्छेद, मतलब जो आपका सॉरी जो संशोधन था 69वां संविधान संशोधन 1991, यही है, देख लो, पलटा लो भैया, ठीक है, 69 1991 यही है,
पलटा लो एक बार संशोधन, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये 239 है, संशोधन ये 69वां है, नहीं मिला, ठीक है, क्लियर। इस समय इसका जिक्र करने का मतलब सिर्फ ये है कि 39 है, ये 69 है, ये 91 है, ठीक है, समय याद रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला, मैं पंचायत वाला जो आपका भाग 9 था, ठीक है, और भाग 9 का जिसपे नगर निगम वगैरह, उसके अनुच्छेद में अलग से लिखाऊंगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपका जब पटवारी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें पंचायती राज एक अलग विषय ही था, क्लियर, तो पटवारी के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और परीक्षाओं में आया भी है, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट पीएससी में भी आया था कि पंचायत के जैसे क्या है, पंचायत का वित्त आयोग अलग हो जाता है, पंचायत में आरक्षण अलग हो जाता है, ग्राम सभा के अलग अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में लिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप वैसे भी काफी कंफ्यूज होंगे 39, 69, 24, 54 जो भी है, ठीक है, फिर से मैं अलग डाल दूंगा तो आपका दिमाग और भी खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो आप मैं इसको सिर्फ छोड़ रहा हूं, सिर्फ ये भाग 9 और भाग 9 का में, ठीक है, आगे आ जाइए, आप लिखेंगे अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, दो सौ चवालीस है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, एससी एंड एसटी एरिया ऐसा समझ लीजिए, हालांकि एससी नहीं होगा उसमें, सी नहीं होगा, कास्ट हट जाता है, शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड कास्ट एरिया जैसे बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अच्छा अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे थोड़ा सा, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कुछ क्षेत्रों को संसद विशेष रूप से चिन्हित करती है, चिन्हित का मतलब उठा लेना, ठीक है, या मार्क कर देना कि ये क्षेत्र ना बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इनका विकास जरूरी है, क्लियर, और यहां रहने वाले लोगों का भी कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होता है, ठीक है, क्लियर, तो अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि चिन्हित क्षेत्र होते हैं ये, जो विशेष रूप से पिछड़े होते हैं किसी भी रूप में, ठीक है, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से हो, क्लियर, तो ये चीजें हैं इस पे 244 है। एक चीज ये याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 में है, संविधान के भाग 10 में, क्लियर, जो मैं अभी आपको आगे भाग बताऊंगा उसमें, ये भाग 10 में है, इसमें अनुच्छेद भी 2 ही है, क्लियर, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है कि भाग 10 है, 10वीं अनुसूची में क्या है, क्या है पीछे, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, कौन सा संशोधन है, नहीं पता, भूल जाते हैं, नाखून खोदते बैठोगे तो भूलोगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यहां पे रखिए ना, ये कंसंट्रेशन प्लीज, आप लोग थोड़ा सा जहां पे रहते हैं वहीं पे रहिए, कौन सा संशोधन था दल बदल, कौन सा, 52, 52वां, समय क्या था, 1985, क्लियर, ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे, लिखेंगे अगला 265, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265, अंतर राज्यीय नदियां
अंतर राज्यीय नदियां एवं नदी घाटियों के जल एवं नदी घाटियों के जल वितरण नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण संबंधी विवादों नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय संसद कानून बनाकर कर सकती है। संसद कानून बनाकर कर सकती है, ठीक है। मतलब इसका ये है, ये चर्चा में इसलिए रहा है अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि कृष्णा और कावेरी नदियों का जल विवाद चलता रहता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में पानी के लिए अच्छा खासा विवाद चलता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो अंतर्राज्यीय नदियां होती हैं, मतलब ऐसी नदियां जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, जाती हैं, ठीक है। तो इनमें विवाद की जब स्थिति होती है तो इनका जो न्याय निर्णयन है, ठीक है, तो कौन, केंद्र सरकार, ठीक है, संसद कानून बना सकती है इस संबंध में, ठीक है, समिति बना सकती है, संगठन बना सकती है, ट्रिब्यूनल बना सकती है, ठीक है, कि जो सिर्फ विशेष इसी नदी क्षेत्र के विवाद के लिए काम करेंगे, कोई भी विवाद आएगा तो, ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह सारे बनाए जा सकते हैं अनुच्छेद 262 के तहत, ध्यान रखेंगे चर्चा में अनुच्छेद रहता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर। चलिए अगला लिखेंगे 263, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल इनको बोलते हैं। एक से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद बन रहा है या फिर केंद्र और राज्य के बीच विवाद बन रहा है किसी भी विषय को लेकर, टैक्स के लिए, कानून के लिए, आवागमन के लिए, ठीक है, नियम कानून के लिए, तो ये अंतरराज्यीय परिषद इनको सुलह करा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय नदियों के जल विवाद के लिए कौन सा है, 262, और अंतरराज्यीय नदियों के लिए परिषद है आपका 263, ठीक है। चलिए लिखेंगे अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में अच्छे से रखिएगा हमेशा, हथेली में लिख लेना, गदेली में लिखना, जो करना हो, लेकिन इसको दिमाग में अच्छे से रखना आप। अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, ठीक है। अगला लिखेंगे नीचे इसके 267, 267 आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक क्या होता है, आकाश में कई अर्थ होता है, सबको पता है आकस्मिक शब्द का मतलब, क्यों पता है आकस्मिक मतलब, नहीं पता, बहुत बढ़िया, उर्दू मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, तब भी नहीं पता आकस्मिक का शब्द, और किसको नहीं पता ये बता दीजिए, सबको पता है, अचानक ही होगा, क्यों होगा अचानक, मतलब आकस्मिक सबको पता है ना, इस शब्द का मतलब है ना, आकस्मिक निधि का मतलब, देखिए
267 में आकाश में गिरती है। शब्द में आप परिचित होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो शब्द को आप जानते हैं थोड़ा सा गूगल कीजिए, नहीं जानते हैं तो कीजिए, ठीक है। क्यूरियोसिटी बढ़ाइए ज़्यादातर। जैसे मैं पहले ही बोलता था, लोगों को देखा होगा ना कि जो नए नए एडवर्टाइजमेंट बनते हैं किसी भी कंपनी के हों, आप उनके पोस्टर देखे होंगे, उसमें नई नई स्पेलिंग, नई नई मीनिंग, नए नए शब्दों का उपयोग होता है, ठीक है। आपको नहीं भी पता होता ना, फिर भी आप देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, चले जाते हैं इग्नोर करके। जब ऐसे कोई भी नए शब्द आपको मिले नए एडवर्टाइजमेंट में, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, जब भी नए शब्द मिले ना आपके बगल से, आपको लगे कि ये है तो अच्छा लेकिन हम सुनते तो आ रहे हैं लेकिन मतलब नहीं पता, तो उसका मतलब पता करिए, ठीक है। धीरे धीरे आपकी बहुत अच्छी आदत बन जाएगी और आप हर चीज़ में थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, क्यूरियोसिटी आएगी और नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। इसमें जो मैंने पहला बताया अनुच्छेद 266 जो है आपका संचित निधि। संचित निधि का मतलब ये होता है कि जो भारत का पूरे टैक्स वगैरह होते हैं, जो आप कर देते हैं, क्लियर, भारत कोई इनकम हो रही है सरकारी संस्थानों से, जो इनकम हो रही है सारी सब कुछ जाके जमा होती है संचित निधि में, ठीक है। और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको प्रॉपर विधेयक लाना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है, संसद पारित करती है, तब उस विशेष विषय के लिए उतना वित्त उतना धन निकलता है उस निधि से, क्लियर। ये हो गया आपका संचित निधि, क्लियर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति हैं, जो आपके न्यायपालिका वगैरह है, ठीक है, इनके जो वेतन है वो डायरेक्ट संचित निधि से दिए जाते हैं, क्लियर। कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट इनसे सैलरी जितनी फिक्स है उतनी इनको मिल जाती है, क्लियर है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को कंटिजेंसी फंड भी बोलते हैं, मतलब जब अनायास कोई जरूरत पड़ जाए, अचानक कोई जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, क्लियर, या इमरजेंसी जिसको समझिए आप। तो सरकार आकस्मिक निधि से निश्चित रकम निकाल सकती है, जैसे मान लीजिए आपातकाल जैसी कोई स्थिति आ गई, अचानक से बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस परिस्थितियों में सरकार कंटिजेंसी फंड से पैसे निकाल सकती है, इसके लिए उसको संसद की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, पारित कराने के लिए कोई बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद इसको संसद से ये पारित करा लेंगे और ये फिर वही पैसा वापस उसमें डाल देंगे, क्लियर। ये विशेष समय के लिए ये फंड बनाया जाता है, क्लियर। और आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति की अनुमति से निकलता है, क्लियर। तो ये दो चीजें हैं 266 और 267, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। कल मैंने आपको बताया था सेवा कर किस अनुच्छेद में, 200 बताया था, अच्छा सेवा कर जोड़ा गया था किस, कब जोड़ा गया था ये बताओ मुझे पहले, 2003 में, सही है। अनुच्छेद भी मैंने बताया था, अनुच्छेद भी बताया था, कोष्टक में लिखवाया था मैंने, 68 है कि 67 है, 68 है, ठीक है, क्लियर। तो आपका 266 क्लियर हुआ और 267 क्लियर हुआ, क्लियर है ना। चलिए अगला लिखेंगे, जल्दी लिखो, 280 वित्त आयोग, दैट इज फाइनेंशियल कमीशन, 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग, सीधी सीधी बात यह है कि आपका हर 5 वर्ष में वित्त आयोग आता है, ठीक है ना, जो केंद्र राज्य के बीच कितना पैसा बंटना चाहिए, कितनी जरूरत है, ये सारी चीजों का निर्धारण करता है। वर्तमान वित्त आयोग का कौन है अध्यक्ष, कुछ भी पता करके आना कल, ठीक, करंट पढ़ चुके हो ना, नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला लिखे, अनुच्छेद 300 का, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, 300 का 300A, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है, कब जोड़ा गया था ये, मैं बोला भी था इसको सर्च करके लाना, 1978, ठीक है, 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लिख लो, 1978 44वां संविधान संशोधन 300 का जोड़ा गया था, ठीक है,
और इसमें है क्या, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था 300 का में, क्लियर है। ये का वाले तीन चार याद रखना, 21A, 21 का, 51 का, 300 का, ठीक है, और 268 का, इसको भी रख लो। सभी पता है ना चारों, 21A में क्या है आपका, शिक्षा का अधिकार, 51 का में है आपका मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 300 का में क्या है आपका संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बना गया, और 268 का जो मैंने बताया था वो सेवा कर संपत्ति कर है, क्लियर है ना, पॉइंट क्लियर है ना। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य 51 का कब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1976 चलो जल्दी लिखो, 312 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IRS जो भी हैं, यह सब आपकी अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक, अनुच्छेद 315 लिख लो, UPSC / MPPSC या PSC लिख लो, MP मत लिखना, UPSC / PSC, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, तो को सब समझते हैं UPSC का मतलब और PSC का मतलब, तो सीधे इतना ही लिख लो बस, अनुच्छेद 315 UPSC / PSC लोक सेवा आयोग / संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो बच रहे हैं 5-7 वो अपन कल डिस्कस करेंगे, क्या पता, अच्छा ये एनके सिंह कौन है, एनके सिंह हैं कि थे, तो वाईवी रेड्डी कौन है, नहीं वो तो ठीक है गवर्नर थे, वर्तमान में कौन है, एनके सिंह है कि वाईवी रेड्डी, तो वाईवी रेड्डी पहले थे, आप लोगों ने करंट पढ़ा भी नहीं है, जो मैंने मैगजीन भेजी थी वो भी नहीं पढ़ी, ठीक है, अब इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं आज डिलीट करवा दूंगा उसको, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हर किसी को नहीं भेज सकता, ठीक है, पिछले पहली बार तो मैंने नंबर भी दिया था, तो मुझे डेली ऑफिस में मैं यही करता रहता था कि किसको मना कर दें, ठीक है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया आपका, ग्रुप में डाला भी है मैंने, पिन किया है उसको, उस पोस्ट को मैंने पिन किया है, ऊपर आपको ग्रुप में पहले ही दिख जाएगी सबसे टॉप में, ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन है, मैंने ये बोला था कि अभी कर लीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, क्लियर। एक्चुअली मैं साफ साफ बताऊं, आप लोग सीरियस तैयारी कर ही नहीं रहे, सीधी सीधी बात, सीरियस तैयारी करने का एक अलग ही मूड होता है, जैसे यदि आप सुबह 8 बजे आ रहे हैं, 1 घंटे पहले तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, क्यों खेल रहे हो जिंदगी से, 22-23 साल के तो होंगे ना आप लोग, औसत औसत कुछ 24 के होंगे, कुछ 25 के होंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम 20 से ऊपर है ना आप लोग, ये पता कर लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि इट्स योर गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम, समझ रहे हैं ना, 26 पार हुआ ना उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बुद्धि सब कुछ लूज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे, यदि करना है यही पढ़ाई से क्षेत्र में जाना है, उसके बाद धंधा पानी बिजनेस तो आपको बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज ये भी बता दें, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ भी हो, यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर है, तो मानसिक शांति वहां जितनी मिलने वाली है ना, तो किसी भी धंधे में नहीं मिलनी, स्पष्ट बता रहे हैं, और यदि आप ढंग की पोस्ट में चले जाते हैं, तो आपका हर चीज मेंटेन रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए गंभीर हो जाइए, 2-4 महीने का खेल होता है ये, आप ये रोना रो सकते हैं कि ठीक है वैकेंसी नहीं आई, लेकिन आप तैयार भी कितना है ये भी तो देखिए, और यदि किसी को ढंग की पोस्ट चाहिए, तो उसकी वैकेंसी कहीं नहीं रुक रही है, UPSC कभी नहीं बंद हो रहा है, प्रॉपर एग्जाम हुआ है इतना कोविड के बीच में भी, MPPSC का भी प्री हुआ है,
ठीक है, और यदि कोई अभी बोल रहा है कि मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं इसकी तैयारी कितना की है? यदि मैं खुद को भी बोलूं कि मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं खुद भी सोचता हूं कि ठीक है नहीं आ रहा, अच्छा है, क्योंकि अपने पास टाइम है। और ढंग की पोस्ट जितनी भी आ रही, व्यापम का जेल प्रहरी और जो ये आपका कांस्टेबल वगैरह, ये ठीक है, टाइम पास नौकरी अच्छी है, टाइम पास। लेकिन यदि ढंग की करना है तो ग्रुप टू वगैरह जो आ रही है उसकी कीजिए, ठीक है। अभी SBI PO वगैरह का जो आया है उसको भरिए, ढंग की जॉब कीजिए और सब्जेक्ट में कमांड रखिए। परीक्षा की तैयारी मत कीजिए कि यदि कोई सोच लीजिए कि आपको, यदि किसी बोलते हैं ना कि व्यापम का बैच चला रहे हैं, पुलिस का बैच चला रहे हैं, जेल प्रहरी का बैच, ये क्या होता है जेल प्रहरी का बैच? क्या वो पेपर सेट करने वाला आने वाला है क्या, कि कोई टीचर जो पढ़ा रहा है? विषय की तैयारी कीजिए, अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में आपके अनुच्छेद, संविधान, संशोधन, जितना दुनियादारी है सब कंप्लीट हो जा रहा है, देते रहो कोई भी एग्जाम। अंग्रेजी पढ़ने लगी है, वो कैब आपकी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, ठीक है, तो आपको फार्मूले भी रटने की जरूरत नहीं है। कितने दिन ये इज एमआर दिस दैट जो भी है आप कितने दिन रटोगे? दिमाग में ये नहीं रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अंग्रेजी भी पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। न्यूज़पेपर उठाइए, एक हफ्ते में कम से कम एक पढ़िए, आप हिंदी माध्यम के हैं तो। मैगजीन उठा लिए, नोबेल उठा लो यार, एक से एक सस्ती नोबेल आजकल 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो के भाव मिलती हैं। इंदौर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो विषय की तैयारी कीजिए, अपने आप हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में भी लड़के जाते हैं, मैं देखता हूँ IIT NIT के भी मेरे फ्रेंड हैं, भाई है, मैं देखा हूँ कोई नहीं पढ़ता इतना, सिर्फ वो दुनिया की चीज़ें ही पढ़ते रहते हैं। जितना वो NIT IIT में एडमिशन के लिए इतना पढ़ता है, वो बंदा 4 साल में उतना नहीं पढ़ता। पढ़ता क्या है? न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर आपकी जो नोवेल्स वगैरह है, ठीक है। तो ढंग की तैयारी कीजिए, थोड़ा सा प्रेशर लगाइए कि हाँ मुझे करना है। और देखिए ना, आपका मोबाइल भाग रहा है कहीं पे, ना आपके मित्र भाग रहे हैं कहीं पे, ना आपकी फैमिली भाग रही है कहीं पे, ना आपकी वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति वो भी नहीं बदलने वाली, कुछ कुछ नहीं बदलेंगे आप 1-8 साल में। लेकिन हाँ, यदि कुछ ढंग की चीजें हो गई तो सब बदल जाना, क्योंकि फाइनली जो आपका होता है अल्टीमेट गोल होता है वो आपकी होती है फाइनेंशियल कंडीशन। आप यहाँ पे बैठे हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या जो भी चीजें हो। सर्वे गुणा कांचना मास्रयन्ते, सब लोग जानते हैं, सोने में सभी गुण होते हैं। आप पैसे वाले हैं तो आप विनम्र हैं, आप धनवान हैं तो आपके अंदर सारे गुण हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सारे गुण होते हैं, बीट एनीवन, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए कि सर्वे गुणा कांचना मास्रयन्ते, यदि आपके पास पैसा होगा तो सब कुछ है, आपके जितना होशियार भी कोई नहीं होगा, फिर आपके जितना सुंदर भी कोई नहीं होगा, आपके जितना सुशील भी कोई नहीं होगा, आपके जितना व्यवहारी भी कोई नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा फोकस रहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कुछ किताबों के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोसेंट रट मारो ना। मैं पहले ही बताते हैं, आपको लगता है कि बहुत रटना है भाई, एक एक चैप्टर रटो, आज एक चैप्टर पॉलिटिक उठा लो, बायोलॉजी का उठा ले, बदल बदल के पढ़ो ना, कोई भी उठा लो, रैंडमली आपने किताब खोली, ये खुल गया इसको पढ़ डालो, नहीं समझ में आता गूगल कर डालो, मोबाइल तो सब लोग रखे हुए हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब आप दिन भर चलाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई मित्र वित्र नहीं बनते हैं बहुत अच्छे से, यदि ना पता हो जिंदगी थोड़ी बहुत वास्तविकता है, यदि आपको पता करनी है ना तो आप मैरिड लोगों से पता कर लो, जिनकी शादी हो गई होगी ना, उनको अपने आप सत्य का ज्ञान हो गया होता है, ठीक है, अपने आप सत्य का ज्ञान हो चुका होता है उनको, ये पता होता है कि आप यदि किसी को बोलते हैं ना कि दो लोग बैठे हुए, दो प्रेमी बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं हम इनके भी ना मर जाएंगे, हम इनके भी ना मर जाएंगे, आप किसी शादीशुदा वाले के पास जाके पूछिए, वो बताएंगे कि कितने छूट गए और कितने मर गए और कितने बचे हुए, कुछ नहीं होता है, इट्स प्रैक्टिकल, आल बी नो दैट, कोई कुछ नहीं होता है, सब अपने लिए जाते हैं, जीते हैं, ठीक है ना। जिंदगी और जीने वाले सब स्वार्थी होते हैं, ठीक है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, इसलिए वास्तविकता में जीजिए, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं लास्ट पहले भी कहता था, आप इस स्तर पे हैं, आपके इस स्तर के मित्र मिलेंगे, ठीक है। आप फोकट में घूम रहे हैं और आपको सोचेंगे कि आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया है और आप उसके पीछे समय बर्बाद कर रहे हैं, तो नहीं, आपको जो मिला है वो भी फोकटिया ही है, क्योंकि आप उस स्तर पे हैं ना, ठीक है। आप यदि IAS बन रहे हैं, यदि आप तहसीलदार बन रहे हैं कोई भी, तब आपको जो मिलेगा आपके स्तर का मिलेगा, तब आपको नीचे वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जिस स्तर पे हैं तो ये समझिए कि आपके स्तर का है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए और सीधे अपने आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी में आप जितना ऊपर बढ़ेंगे आपके मित्र सर्कल सब उतना ही ऊपर बढ़ता जाएगा, समझ पा रहे हैं। इसलिए समय की वरीयता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो समय है। 2-4 महीने में सारी वैकेंसीज आएंगी, आप विषय कमांड कर लीजिए 4-6 महीने में अच्छे से, कुछ नहीं कर सकते, उठाइए लो सेट, रट मारिए। आप गणित के लिए कोई भी यदि एक कोई भी किताब है, सीधे दिन भर प्रैक्टिस करो, कुछ भी विकल्प नहीं, सीधे प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है उसका विकल्प, ठीक है। GS के लिए, इंग्लिश के लिए स्पष्ट बोलता हूँ, न्यूज़पेपर उठाइए,
और रट मारिए, दिन भर वही कीजिए, वो कैब लिखिए, नहीं हो पाता तो फिर मुझे बताइए, ठीक है? एक 10 का 15 रुपए का हिंदू आता है संडे का, 10 रुपए का डेली वाला आता है। एक दिन में एक पेज पढ़िए और सिर्फ उसकी मीनिंग लिखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि 6 महीने में आपकी अंग्रेजी आपके 10% मतलब जो आपके दोस्त हैं ना उनसे कई गुना बेहतर होगी, और जिन्होंने यदि किया होगा तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। शुरू में नहीं समझ में आएगा, मोबाइल है, हिंग खोज डिक्शनरी है, वर्ड ट्रैप है, बहुत सारी किताबें हैं, आप उनसे कीजिए। कुछ नहीं होता, नोबेल उठा लो ना यार, किसी के नहीं होते। तो सबसे सस्ता जो आपका कौन है वो जो हाफ गर्लफ्रेंड का राइटर, चेतन भगत, सबसे सरल इंग्लिश उसकी लिखती है, सबसे सरल इंग्लिश, और कोई मत जाइए आप, ठीक है? अरुंधति राय वगैरह तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। नॉन फिक्शन पढ़िए, काल्पनिक पढ़ने में मजा आता है, नॉन फिक्शन नोवेल पढ़ो। इसलिए विषय पे कमांड करिए, हर एग्जाम निकल जाएगा। व्यापम के वनडे एग्जाम के पीछे आप इतनी भीड़ लगा रहे हैं ना, कुछ नहीं है। ऊपर के एग्जाम की तैयारी कीजिए, नीचे अपने आप सरक जाएंगे, सब अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है? इसलिए बी फोकस्ड, ओनली बी फोकस्ड, ठीक है? थैंक यू।